रजत वहां सावधानी रखनी है। और ये जो अभी बैंकिंग सेक्टर मूव है ना, एक नतीजा है वो फटाफट से देख लेते हैं, वो आईडीबीआई बैंक के हैं और इसमें एनआईसी फिगर यहाँ पर घटी है 1357 करोड़ वर्सेस 1665 करोड़, लेकिन घाटा बढ़ गया और घाटा इस बार बहुत ज्यादा एनर्जी पोस्ट कर दिया, 4150 करोड़ का घाटा है वर्सेस 1520 ये सालाना आधार पर घाटा पोस्ट किया है। इनके एसेट क्वालिटी देखिए तो नेट एनपीए में 1520 करोड़ से घाटा बढ़कर 4150 करोड़ का घाटा। तो ये एलआईसी ने कितने पैसे डाले थे, कुछ मेरे को लगता है थोड़ा बहुत, तो थोड़े बहुत ही बचे होंगे, बाकी तो घाटे में चले गए और क्या है। और प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा है राजेश जी, पूरे मेरे ख्याल से थोड़े तो ज्यादा डाले थे, लेकिन ये तो कैसे चलेगा काम। अच्छा पर ये थोड़ी राहत तो समझे ना, 31.78% की जीएनपीएस थे वो घटकर हो गए 29.2% की कमी हुई है। देखो 2% कम होने में कितनी राहत महसूस हो रही है रजत को, देखिए 32.25 से 29, लेकिन हाँ नेट एनपीए में भी थोड़ी राहत मिली है, नेट एनपीए में राहत मिली है 17.5% से 14% के आसपास, और शायद यही वजह कि पिछले दो दिनों में जो स्टॉक तेजी से पीटा था बैन में भी था, बैन में से अब बाहर निकलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। राजीव बताइए, बैन में तो है, क्या करना है? अनिल जी स्ट्रक्चर तो काफी वीक है स्टॉक का, और अभी जिस तरीके से अभी भी स्टॉक में रिजल्ट के बाद जो रिएक्शन आया वो भी डाउन टिक आया, तो 47-48 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो मल्टीपल सपोर्ट जोन है, अगर वो टूट जाएगा तो फिर और गिरावट इसमें बढ़ सकती है। सो अभी एज ऑफ नाउ मुझे लगता है अगर 47 होल्ड करता है तो थोड़ा बहुत इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, बट अपसाइड बहुत लिमिटेड है, 52-54 इसका हायर साइड का अपसाइड मुझे लगता है कि वहीं कैप हो जाएगी, इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि स्टॉक अभी मूव हो पाएगा। इस बीच हमारे रिसर्च टीम के हिस्सा, भले रजत माने न माने लेकिन वो हिस्सा तो है हमारे रिसर्च टीम के, वो है राकेश बंसल जी ने हमें फटाफट फिगर भेज दिया है कि एलआईसी ने 12600 करोड़ रुपए डाला है आईडीबीआई में, तो चलिए 12600 करोड़ में से कितने 4000 करोड़ तो गए, अगर डायरेक्ट वन ऑन वन कोरिलेशन निकालना चाहें तो ये है लॉस। आइए लेकिन आप एक चार्ट कॉर्नर का बिगुल बजाना है, क्योंकि कुणाल जी और राकेश जी तैयार है एक अपना स्टॉक देने के लिए, आइए बजाते हैं बिगुल। सर बताइए, हम लेंगे, आपको बड़ी खुशी होगी क्योंकि आपने इसको एकदम बॉटम पे पकड़ा था, खरीदारी की राय है जुबिलेंट फूड पर। अरे वाह अनिल जी, इस स्टॉक ने एक मेजर नेकलाइन 1370 की एक मेजर नेकलाइन को तोड़ा है और स्टॉक बड़े पैमाने पे अपट्रेंड के अंदर आ रहा है, और जिन स्तरों पर स्टॉक चल रहा है इन स्तरों के आसपास की क्लोजिंग देता है जिसकी संभावना काफी ज्यादा है, तो यहां से 80 से 100 रुपए का अपमूव देखने को मिलेगा। बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट 1370 के ऊपर जुबिलेंट फूड में देखने को मिल रहा है, और यहां पर एक खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए जिस तरह का स्ट्रक्चर जुबिलेंट फूड वर्क्स का है, हमने इसकी बात तब की थी जब अनिल जी आपने स्पॉट किया था, 1215-1220 रुपए के भाव थे, और उसके बाद हमने इसमें बजट के वाले दिन बड़ी तेजी आते हुए देखी, आज इसमें फॉलो थ्रू बाइंग आ रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने जैसा भी राकेश जी ने कहा कि 1350 रुपए की एक बड़ी रेजिस्टेंस को इस काउंटर ने पार किया है, जिस तरह का ब्रेकआउट यहां पर आते हुए दिख रहा है 1450 से पहले यह काउंटर रुकना नहीं चाहिए, तो इन स्तरों पर डेफिनेटली बाय करें। जुबिलेंट फूड वर्क्स के लिए स्टॉप लॉस रखना है 1362 रुपए पर, पहला लक्ष्य होगा 1430 रुपए का और दूसरा टारगेट है 1445 रुपए का, इन लेवल्स के लिए बाय करें जुबिलेंट फूडवर्क्स के फ्यूचर्स मौजूदा भाव। खरीदारी करनी है आपको यहां पर जुबिलेंट फूडवर्क में, 1394 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 1362 का स्टॉप लॉस, 1362 ये स्टॉप लॉस का लेवल है, नोट कर लीजिए, 1430 पहला लक्ष्य, 1445 1445 दूसरा टारगेट, यहां पर है आपकी खरीदारी करने की राय। आगे बढ़ते हैं और कुछ और कॉल्स हैं, उससे पहले देख लेते हैं वो स्टॉक्स जहां पर आज बाजार खुलने के बाद खबरें आई हैं या फिर रिजल्ट आया, वो मैं बताऊं डिम्पी तैयार है, उससे पहले एक बार फटाफट सेंट गोबिंग का रिजल्ट आपको बता दें, बहुत ही दमदार रिजल्ट दिख रहे भाई। कुणाल जी चार्ट तैयार करिए, 49 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 70 करोड़, यानी कि लगभग लगभग 40% की बढ़त मुनाफे में नजर आ रही है, पहला आंकड़ा जो आया मुनाफे का वो सबसे बेहतरीन नजर आता है, और सेटिन क्रेडिट केयर के रिजल्ट, माफ कीजिएगा ये सेटिन क्रेडिट केयर के हैं न कि सेंट गोविंद के, सेटिन क्रेडिट केयर हाँ ये है रिजल्ट जिस जो आपके सामने फ्लैश होते हुए दिख रहे इस वक्त, और 260 रुपए के आसपास है स्टॉक का दाम। कुणाल जी लेवल्स
देखिए अनिल जी, एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस 266 रुपए के आसपास है, 266 इसके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। जैसे ही 266 के ऊपर जाएगा तभी तेजी करनी चाहिए, इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें। 256 के नीचे कमजोर हो जाएगा, 256 के नीचे इसको बेचा जा सकता है जिन्होंने इंट्राडे के लिए लिया है, और 256 के नीचे गया तो एक बार के लिए 250 का लेवल भी आएगा। ऊपर 266 पार हो तभी नई खरीद करें, इन स्तरों पर नई खरीदारी की राय नहीं। ओके, 266 के ऊपर लेना है, 256 के नीचे बेचना है, और इस बीच में कुछ भी नहीं करना है, यह राय। स्टॉक्स इन न्यूज़ पूछ लीजिए। डिम्पी हमारे साथ मौजूद है स्टॉक्स इन न्यूज़ बताने के लिए। डिम्पी बताएं कौन सी ऐसी खबरें हैं जहां पर आज इफेक्ट देखने को मिला स्टॉक प्राइसेस पे? एक तो इंसेक्टिसाइड इंडिया के नंबर्स हैं, इनका मुनाफा करीब 9 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ हो गया, आय 100 से 216 करोड़ है, नंबर्स तो काफी शानदार है इसके। आरकॉम आज का हमारा हीरो शेयर था जो आज कमजोर हुआ, 50% तक नीचे गया। आरकॉम की ही तरफ से क्लेरिफिकेशन बाद में हुआ कि एनसीएलटी का एक रास्ता था जिससे आरकॉम अपने मैटर को सुलझा सकता है। उनका यह भी कहना है कि सभी बैंकों को मनाना इस समय मुश्किल हो रहा था इसलिए उनको एनसीएलटी के अंदर जाना पड़ रहा है। बजाज ऑटो के सेल्स के नंबर आए और एक कुल बिक्री इनकी 15% बढ़ी, इसमें ध्यान देने वाली बात एक्सपोर्ट्स होता है जो कि करीब 16% बढ़ा और घरेलू बिक्री में भी करीब 14% का इजाफा देखने को मिला। कुल मिला के ग्रोथ ठीक ठाक है और उसके बाद से इस शेयर ने पहले तेजी दिखाई लेकिन बाद में थोड़ा सा ऊपर स्तरों से कमजोर हुआ। वेदांता का एक क्लेरिफिकेशन आया इस तेज गिरावट के बाद, उन्होंने कहा है कि हमने वोल्कैन में जो निवेश किया है वो नियमों के मुताबिक किया है, और इसमें जो केन इंडिया के निवेशक वेदांता तीन कंपनियों से मिलकर बना हुआ है, उन्होंने साफ किया कि केन इंडिया ने जो वोल्कैन में निवेश किया वो नियमों के मुताबिक है। इसके अलावा एलएनटी को ओडिशा सरकार से एक ऑर्डर मिला है, ये ऑर्डर कंस्ट्रक्शन के लिए मिला है और हालांकि इसका डिस्क्लोजर नहीं कि कितना बड़ा ऑर्डर है, बट ठीक ठाक ऑर्डर सरकार की तरफ से इनको मिलता हुआ दिखा है। तो ये कुछ ऐसे शेयर्स जहां पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आया। राकेश जी आपके पास में आ रहा हूं, आज ये जिस तरीके की बिकवाली देखने को मिली है एडीजी समूह में, इनफैक्ट अनिल जी ने बोली दिया था रिलायंस कम्युनिकेशन आज टूटेगा, लेकिन टूटा तो इनफैक्ट शुरुआती सत्र में तो 50% से ज्यादा लुढ़कता हुआ नजर आया था। एक बार आंकड़ा देख लेते हैं अभी कितना है, 37% के आसपास की गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है। ये ना ये जो गिरा हुआ है ना इसको परसेंटेज में देखना चाहिए, अच्छा लगता है परसेंटेज में, मतलब लगता है बड़ा गिरा है, रुपए में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि रुपए में क्या गिरा है, गिरा ही नहीं कुछ नहीं। पर टीडी साहब ने बोला है ना कि 2000 करोड़ की बैंक गारंटी जो है इनको वापस कर दी जाए, 2000 करोड़ इनके हाथ लग सकते हैं, लेकिन ये जो एनसीएलटी ने कंपनी की संपत्ति बिक्री पर 12 फरवरी तक रोक लगा दी, ये भी खबर आई आज दिन के दौरान। तो अभी जो दिक्कतें हैं रिलायंस कम्युनिकेशन की और बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीएलटी में चले गए उसको एनसीएलटी आदेश देगा तो उसके बाद ये पैसा जुटाने के बारे में सोचेंगे। एरिक्सन बोल रहा है कि अनिल अंबानी की जो संपत्ति है उनको जब्त कर लेना चाहिए बिल्कुल। राकेश जी बताएं क्या करना चाहिए, कुछ यहां पर और बिकवाली का मौका है तो वो भी बता दीजिए। देखिए आज सुबह जैसे अनिल जी ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज रजत बोली थी कि एक तो बॉटम फिशिंग मत करना। देखिए हालांकि निचले स्तरों से यहां पर एक रिकवरी देखने को मिली है लो से, बट टेक्निकल पैटर्न प्योरली डिस्टॉर्टेड है और एक बड़ा गैप बना है, नीचे से पुल बैक आएंगे और उछाल पे बिकवाली की राय है। एंड दूसरा रजत, ये तो अभी अनिल जी ने भी बोला था, ये तो बेसिकली न्यूज भी थी और इसको करा था, बट मैं अनिल जी से पूछना चाहता हूं, 30 तारीख को अजंता फार्मा का बायबैक अनाउंस हुआ था मार्केट के बाद और 1085 का भाव था जी। जब सब लोग खरीदारी के लिए बोल रहे थे तब अनिल जी एकमात्र थे जिन्होंने यहां पे बिकवाली की राय दी थी, और तीन दिनों से कंटिन्यूसली स्टॉक गिर रहा है, 950-56 के रेट आ रहे हैं, तो अनिल जी काफी समय से ऐसा हुआ नहीं कि ये कैसे कर लेते हैं आप? अरे मैं तो बहुत सारे गलत भी करता हूँ, ऐसा मत बोला, ये तो लग गया अंदाज से, मतलब देखो मैं हाँ ये एक अच्छी बात है, ये कैसे कर लेते हैं आप, इसका जवाब मिल गया मेरे को। देखो बंसल जी, जो मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ वो तो मेरा जाता है सही, एकदम परफेक्ट, ये तो मैं भी मानता हूँ 10 में से 9 सही जाएगा, लेकिन जहां प्राइस का थोड़ा सा एनालिसिस करना होता ना वहां कभी कभी मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि अब विश्लेषण तो सही है लेकिन स्टॉक का भाव उसके हिसाब से चलेगा या नहीं चलेगा। देखिए जुबिलेंट फूड, अगर आपको क्रेडिट देनी है तो जुबिलेंट फूड वर्क की दो, जहां पर रिजल्ट के पहले से हम कह रहे थे कि देखिए सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, और जबकि आपको याद है जब फर्स्ट टाइम मैंने जुबिलेंट फूड वर्क रिकमेंड किया था उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था उस दिन मैंने पहली बार बाय कॉल दी तब चार्ट पे, तो ये तो क्या कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, लेकिन हाँ एनालिसिस सही होना चाहिए, भाव तो ऊपर नीचे हो ही सकते हैं, मार्केट है अपने हाथ में नहीं है, खराब मार्केट में आपके रिजल्ट अगर खराब वाले हो तो जल्दी आ जाते जैसे कि अजंता फार्मा में हो गया, ये तो अंदाज से ठीक है। आशीष सर से पूछते हैं, जो शुक्रवार को ही आपको क्लोजिंग के वक्त आगाह कर चुके थे कि भाई खरीदना नहीं है बेचिए, ये कॉम्प्लिसेंसी आ रही है बजट के बाद में, तो आशीष सर कॉल एकदम परफेक्ट था, लेकिन आज सुबह खुलकर अब वापस ऊपर आ रही, तो ये भी बोल रहा है मार्केट की मुझे बहुत गिरना नहीं है, शुक्रवार को भी वापस नीचे से ऊपर आया, तो क्या जब जब बढ़े बेचना ही है?
अनिल जी देखिए कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जो बेचने हैं जो मैंने आज आइडेंटिफाई भी किए हैं, मैं आपसे कुछ स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस करूंगा उनकी, और आज मुझे कुणाल और राकेश की बहुत सारी इंटरवेंशन चाहिए होगी क्योंकि मेरी लिस्ट थोड़ी सी 5-7 स्टॉक्स की है, कुछ में मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है। और अनिल जी जैसे मैं एडीएजी पीएसयू बैंक से तो हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं, डर लगता है और परपेचुअल शॉर्ट है, डीमैट पुट्स डीमैट करा के रख लेनी चाहिए, वो अब आपके सामने और कब से पीछे लगे हुए हैं कि अब बेचना है या तब बेचना है, तो आज आई थिंक सब देख रहे हैं, काफी लोग सोचते हैं कि हम शायद किसी पर्टिकुलर ग्रुप के या स्टॉक के अगेंस्ट हैं या कोई ज्यादा नेगेटिव है, बट ऐसा नहीं होता है जी, जो हम बाजार में देखते हैं वो शेयर करने की कोशिश करते हैं। अनिल जी एक दो स्टॉक है जो मुझे लगता है कि जो ऐसे कस पे खड़े हैं जिनसे थोड़ा सा डर लग रहा है, और कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है जो मुझे लगता है कि वीकलिंग बन रहे हैं इस मार्केट के, तो उसमें एक नया शॉर्ट भी फिर से निकल के आ रहा है, तो मैं एक दो तो स्ट्रैटेजी दूंगा। एक अनिल जी मुझे अदानी पोर्ट में थोड़ा सा, अभी अब समीर से भी बात कर रहे थे और वो बहुत बढ़िया, मैं उनको बहुत मानता हूं क्योंकि वो एक ऐसे फंड मैनेजर है जिनका लॉन्ग शॉर्ट बहुत बढ़िया रहता है और वो शॉर्ट के बिना उनको भी नींद नहीं आती है, तो एक मुझे अदानी पोर्ट अदानी ग्रुप में भी अनिल जी थोड़ा डर लग रहा है, बट अदानी वॉलेटाइल शेयर है, 50-50 रुपए इधर उधर हो जाता है, तो मुझे लगता है अनिल जी जो स्ट्रैटेजी है 340 रुपए की अदानी की पुट इन द मनी पुट है, अदानी फ्यूचर चल रहा है अभी 335-34 का रेट चल रहा है, अदानी की 340 वाली पुट लेनी चाहिए और उसके अगेंस्ट एक 320 वाली पुट बेच देनी चाहिए। ये जो 1:1 का बीयर स्प्रेड बनेगा अनिल जी, ये 10 रुपए की कॉस्ट से बनेगा, तो वर्चुअली आप 30-31 का आपका फ्यूचर सेलिंग आ गई और आप आराम से चैन से नीचे की मंदी देख सकते हैं, अगर है उसमें कम से कम 15-20 रुपए पर लॉट बनने की भी क्षमता है इस स्प्रेड के अंदर, और मैक्सिमम जो आपका स्टॉप लॉस है वो जो ऑलरेडी बिल्डिंग है 9-10 रुपए, बड़ी अच्छी एक्सपायरी है, एक्सपायरी के बिगनिंग में बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अदानी से थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ शॉर्ट नहीं कर रहा अदानी, अरे एक मिनट सर एक मिनट, अदानी का 340 वाला पुट खरीदना है और 320 वाला बेचना है, बराबर है, टोटल पैसे कितने लगेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बराबर है जी सर, 10 रुपए पर लॉट मैक्सिमम कॉस्ट आएगी इसकी, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कमाई कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है सर? 10 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता, और कमाई सर इसमें से ये 10 रुपए वाली चीज 25-30 रुपए भी हो सकती है, 30 रुपए इसमें मैक्सिमम, मतलब 30 रुपए की मैक्सिमम इसमें स्प्रेड बनेगा, तो 10 लगा के इसमें 20 रुपए मिल सकते हैं अनिल जी, 2500 शेयर का लॉट है, अगर इसमें 10-15 रुपए भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अब अनिल जी इसका लेवल जरा कुणाल जी से पूछना है कि कोई पर्टिकुलर लेवल है उनके माइंड में कि इससे नीचे ये ज्यादा शॉर्ट लगता है या हाँ। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, क्योंकि ये स्प्रेड में ऑलरेडी स्टॉप लॉस इनबिल्ट है, तो हाँ। स्टॉप लॉस तो नहीं, बट ये व्यू के बारे में मुझे कुणाल से कंफर्मेशन चाहिए। तो कुणाल जी बताओ। अनिल जी देखिये, जो स्प्रेड ये आशु जी बता रहे हैं जिसमें 20 रुपए का स्प्रेड बनता है और 10 रुपए की इसमें कॉस्ट आ रही है, तो मुझे लगता है कि देखिए इसमें क्या है कि जो टेक्निकली जो लेवल है वो 330 रुपए का है जहां पर के सपोर्ट है, और पिछले 4-5 दिनों से लगातार हम देखते हैं कि 330 से अडानी पोर्ट दोबारा एक बार तेजी दिखाता है, तो इसमें असली मंदी बनेगी अगर ये 330 के लेवल को तोड़ता है, 330 को तोड़ेगा तो फिर 310 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि जो ये सेल की राय आशु जी ने दी है, मेरा लिमिटेड इंटरवेंशन ये है कि 330 के नीचे बेचे तो ज्यादा सेफली बेच पाए। 330 के नीचे बेचो, देखो आप हेलन लिमिटेड ही बताओ, क्योंकि अगर आपको अनलिमिटेड बोल दे तो आप तो अदानी पोर्ट तो बेचोगे नहीं, आप या तो बेचोगे, आप एक ही बेचोगे अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर से भी आपका प्यार है और पोर्ट आपकी जनरली रडार पे आता नहीं है, बेचने का नाम दूंगा तो अदानी एंटरप्राइजेस, बराबर है कुणाल जी, सही है कि गलत? बिल्कुल 100% सही है। चलिए तो अदानी इंटरप्राइजेस पे आ रहे हैं क्या सिग्नल? कुछ आज वैसे ही टूटा हुआ बहुत। अरे जी सिग्नल तो आ रहे हैं लेकिन सपोर्ट नजर आ रहा है, मैं इसकी क्लोज तक का वेट करूंगा, और अगर ये 130 के नीचे आज बंदी देगा तो अदानी इंटरप्राइजेस में डेफिनेटली सेल कर राय देंगे। और अगली एक बार आशु सर के पास और भी स्ट्रेटेजीज है वो करें, उससे पहले एक बार फटाफट हम स्ट्रेटेजी आपकी स्ट्रेटेजी 2:30 बजे वाली स्ट्रेटेजी देखते हैं, पहले एक बार इंटरनेशनल मार्केट ले लेते हैं, यहाँ पर जिस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है। आपको कैसे पता इंटरनेशनल लेना होता है? मेरे को कमांड आ गई थी वैसे। अच्छा, मुझे लगा वो डिंपी को देख देख के आपको पता चला। नहीं, एशियन मार्केट है, यहाँ पर थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि यूएस मार्केट में फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, वहां पर देखना होगा कि आज क्या रुझान देखने को मिल रहा है, दूसरा रुपया उसका भी काफी इंपैक्ट पड़ेगा।
फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट है इसमें, डाउ फ्यूचर्स जो उसमें 15 अंक की गिरावट और 4 अंक की गिरावट नैसडैक फ्यूचर्स पे देखने को मिल रहा है, लेकिन आज सेंटीमेंट नेगेटिव किया है वो रुपए ने किया है। रुपए की चाल बहुत इंपॉर्टेंट और शुरुआती सत्र से देखने की 50 पैसे के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है, अभी भी 45 पैसे की कमजोरी 71-70 के आसपास इस समय रुपया जो है कामकाज कर रहा है। अब आप बताएं तो मतलब डाउ फ्यूचर्स में कुछ खास है नहीं, रुपया अभी भी कमजोर है 45 जैसा, फिर भी आपको तेजी करनी है ऊपर आई। बैंकिंग स्टॉक्स में होगी पिछले कुछ, ये आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी लीक होगी नहीं नहीं प्राइस पे, मतलब लीक मतलब स्क्रीन पे, आप क्या समझे, स्क्रीन पर तो ऐसा लग रहा है जैसे पॉलिसी में रेट कट आने वाला हो, जिस तरह से एकदम से भागा आधा घंटे में, मतलब सुबह से तो देखो सुबह 9:15 से अभी तक तो किसी को लेना ही नहीं है, अचानक में आधे घंटे में सबको बैंक निफ्टी लेना है, अच्छा ऐसा क्या हो गया? उसमें से भी आरबीएल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर ज्यादा तेजी थी। एनीवे क्या हुआ ये तो पता नहीं, चलिए आइए मैं आपके पास फटाफट डेटा रख दूं। निफ्टी 7 लाख शेयर जुड़े आज इंटरडे में, प्रीमियम उतनी की उतनी है 19 पॉइंट के आसपास की, 10,900 ये निर्णायक लेवल है बचे हुए समय के लिए, 15 लाख शेयर पुट में है और 21 लाख शेयर कॉल्स में है, तो 10,900 के ऊपर आप निकलकर टिकेंगे तो थोड़ा बेहतर होंगे, लेकिन मेरा यह समझना है निफ्टी नीचे से जिस तरह की रिकवरी देखे आया है ये थकावट वाली जगह पे आ रहा है, 10,900-10,925 ये थकावट वाला मामला है, फिर भी यू नेवर नो, अगर किसी को बड़ा पॉजिटिव रुझान बन रहा है बैंक निफ्टी पर तो फिर ऐसे में 10,930 के पार निकलने पर ही आपको फ्रेश खरीदारी करनी है। मैं कैश के लेवल बोल रहा हूं, फ्यूचर नहीं बोल रहा, कैश में 10,930 के पार बैंक 10,930 के पार निफ्टी निकले तो ही फिर फ्रेश खरीदारी कीजिए 10,975 10,980 के टारगेट के लिए, अदरवाइज 10,900-10,930 वो रेंज है जहां पर आपको तेजी की पोजीशन तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 10,925 के आसपास से शॉर्ट करना भी शुरू कर सकते हैं। मूड बदलेगा तो एक ही चीज बदल सकती है, अगर आरबीआई की गुरुवार को आने वाली पॉलिसी में रेट कट आ जाए तो एक अलग बात है, और मैं इसलिए ये संभावना से इनकार नहीं कर रहा, हालांकि करेंसी और बॉन्ड मार्केट को देखते हुए होना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से बैंक निफ्टी यू टर्न लेकर ऊपर आया, होने में कुछ भी हो सकता है, तो ये निफ्टी पर आए हैं। चलिए यानी कि 10,930 एक रेजिस्टेंस क्या है, एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ही बाजार निकले तभी अपनी तेजी की पोजीशंस रखें, नहीं तो इसको रेजिस्टेंस मान के हाई लेवल पे फिर से या तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर बेचकर चल सकते हैं। निफ्टी बैंक पे क्या किया जाए? देखिए निफ्टी बैंक 27,000 के ऊपर निकलकर टिका, बहुत अच्छे से टिका है, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, अब ये 27,000 के नीचे जाएगा नहीं लगते हुए बचे हुए समय के लिए, और ऐसे में आपको थोड़ा सा नीचे मिले 27,050 के आसपास वहां पर खरीदारी करनी चाहिए, 27,000 या फिर बहुत डीप स्टॉप लॉस लगाना तो 26,900 का लगाओ, नहीं तो मैं तो ये कहूंगा 27,000 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए 50 पॉइंट के रिस्क के साथ, ऊपर की तरफ 27,200 पार होने दे, 27,200 पार होगा तो 50 से 100 पॉइंट तुरंत आज ही मिल सकते हैं, लेकिन संभावना थोड़ी कम लग रही है कि 27,200 को पार करें, तो इतनी तेजी से चूंकि पिछले 20 मिनट में भागा है तो थोड़ा नीचे आने दे, 27,050-27,000 के आसपास खरीदेंगे तो बेहतर रहेगा। और टारगेट्स क्या होंगे अगर 27,000 के आसपास खरीद लिया तो? 27,150 का टारगेट, उसके बाद 27,250 का टारगेट और 27,000 के आसपास खरीदे, इसको थोड़ा डिप में, लेकिन बहुत अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं यहीं से एंट्री कीजिए, थोड़ा नीचे के लिए और जगह रखिए, बहुत ठीक है स्टॉप लॉस। लेकिन ट्रेंड देखिए जो रेंज वाले मार्केट है उसमें बजाय ऊपर में खरीदने और नीचे में बेचने का लालच करने के, वो वाला हाल है एशियन पेंट्स वाला, जब चल रहा तो अभी तो और बढ़ेगा अभी तो और बढ़ेगा, और जब नीचे जा रहा तो अभी तो और गिरेगा अभी तो, वैसा करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट रेट लेना समझदारी का काम है, तो मेरा तो इंतजार है कि 27,300 के आसपास पहुंचने दो, अगर पहले 27,300 पहुंच जाए तो शॉर्ट कर दो, 27,050 के आसपास पहले आए तो खरीद लो। कुणाल जी जिस तरीके की तेजी आ रही है कोई बैंकिंग स्टॉक ट्रैक कर रहे हैं क्या आप, आज जिस तरीके का मूव है निजी क्षेत्र के बैंक्स में? देखिए रजत जिस तरह का स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक का चार्ट जिसकी चर्चा हम पूरे पिछले सप्ताह करते आए हैं, हमने इसका ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किया बिल्कुल मौके पर जब 685 रुपए पर ब्रेकआउट आया था उस समय भी एक्सिस बैंक पर खरीदारी की राय दी थी और कल भी हम लोग इसकी बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि सबसे अग्रणी बैंकिंग अगर निजी बैंकिंग शेयर आपको चुनना है जिसका सबसे बेहतरीन चार्ट है तो वो एक्सिस बैंक होगा, और एक्सिस बैंक मुझे लगता है 740-745 के लेवल्स जो कि 2-3 दिन पहले एक फ्लैश मूव में फ्यूचर्स में देखने को मिले थे वो लेवल्स इसमें डेफिनेटली आपको दोबारा देखने को मिलेंगे, तो एक्सिस बैंक लेना चाहिए अगर आपको एक निजी बैंक इन स्तरों पर लेना है तो वो एक्सिस बैंक होना चाहिए। वैसे इस समय जो खरीदारी हो रही है ना निफ्टी अब 10,900 के लेवल के ऊपर फिर से निकल आया है, रिकवरी बहुत स्ट्रांग है निजी क्षेत्र के बैंक से बलबूते है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी कंट्रीब्यूट कर आएगा आएगा आने तो आप नजर मत लगाओ, बढ़िया है बड़ी मुश्किल से तो ऊपर आया है, लेकिन हो सकता है अगर ये ऊपर आने से रुके तो वो आशीष सर की पिक्स में हो सकता है, एक तो आप बता ही चुके हैं अदानी पोर्ट,
आशीष सर इसके अलावा और कुछ? अनिल जी देखिए अगेन वही वो गुस्सा लोगों का निफ्टी पे निकलता है और जिस तरह से निफ्टी मैनेज हो रहा है ये एक दो स्टॉक्स के दम पे ही मैनेज हो रहा है और बाकी स्टॉक्स थोड़े से ढीले ही हैं। लेकिन अभी जिस एक्सिस बैंक की बात कर रहे थे सर, एक्सिस बैंक तो बहुत तेजी की कॉल है, 700 की इन द मनी कॉल लेके हमने सारे क्लाइंट्स को बोला हुआ है कि लेके बैठना है, उसके लिए सिर्फ 1:1 750 की कॉल बेचनी है और वो ट्रेड ऑन है। दूसरे एक दो स्टॉक्स है एनर्जी तो वीक सिग्नल्स आ रहे हैं, जिसमें मैं अगेन कुणाल जी और राकेश जी दोनों से इंटरवेंशन चाहूंगा, जो मेरी लिस्ट में है कि जो फ्रेश शॉर्ट बन रहे हैं और वीकनेस दिखा रहे हैं इस भाव पे भी, जबकि हमने यस बैंक की बजट पे पुट कॉल दी थी 195 की सेलिंग पे। आरबी एनर्जी मार्केट की रिकवरी के साथ यस बैंक बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, सन फार्मा बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, पीएमबी की सुबह आप शॉर्ट कॉल दे चुके हैं, तो मुझे सन फार्मा और यस बैंक में भी एक राय लेनी है कुणाल जी से और राकेश जी से, क्योंकि ये भी मेरी फ्रेश शॉर्ट लिस्ट में आ रहे हैं पर इनमें कोई स्ट्रेटजी नहीं है अनिल जी, मैं फ्रेश फ्यूचर शॉर्ट करना चाहता हूं, तो मुझे लगता है कि अगर कुणाल जी और राकेश जी इसमें कोई लेवल बता दें तो बेटर रहेगा। यस बैंक पीएनबी अभी फ्रेश शॉर्ट करना है क्या? देखिए अनिल जी, सबसे पहले अगर बात करें यस बैंक की तो यस बैंक भी 180 के एक बड़े सपोर्ट पर अब ट्रेड कर रहा है, ये काउंटर 7 दिन से लगातार गिर रहा है, तो मुझे लगता है कि 180 का लेवल इसके लिए बहुत क्रिटिकल है, तो इन स्तरों पर मेरी शॉर्ट की राय नहीं है। मुझे लगता है कि बेचना है यस बैंक तो या तो पुल बैक में बेचें, 186-187 के लेवल्स दोबारा आ जाएं तो वहां बेचना सेफ रहेगा, इन स्तरों पर अगर आप बेचते हैं तो एक बार ब्रेकडाउन का वेट करें और 179 के नीचे निकले तभी इसमें शॉर्ट की राय रहेगी, तो यस बैंक में मेरी बिकवाली की राय नहीं है। सन फार्मा मुझे लगता है डेफिनेटली बेचना चाहिए, स्ट्रक्चर कमजोर है, सन फार्मा 380 तक भी फिसल सकता है, तो सन फार्मा में बेचें, स्टॉप लॉस इसमें 434 रुपए के आसपास रखना होगा 434 का और 380 का 385 का टारगेट, सन फार्मा बेच सकते हैं, यस बैंक में थोड़ा इंतजार करना। सन फार्मा फ्यूचर्स के लेवल दे रहे हैं आप, 415 में बेच रहे हैं सन फार्मा का फ्यूचर्स और ये राय है आशीष जी की, 434 का स्टॉप लॉस है, 434 टारगेट बताओ सर। अनिल जी 385 रुपए का मेरा लक्ष्य है, 385-390 का टारगेट होना चाहिए, 385-390 आशीष सर चलेगा ये सब? अनिल जी थोड़ा स्टॉप लॉस ज्यादा डीप है, मुझे लगता है कि अगर डीप स्टॉप लॉस है तो थोड़ा ऊपर बेचना चाहिए 420-425 के अराउंड, क्योंकि 10 रुपए से ज्यादा का स्टॉप लॉस मुझे जरा कंफर्टेबल नहीं होता, प्रॉफिट का तो 30 रुपए बिल्कुल ठीक है, बट ठीक है। और अनिल जी एक मिनट आशीष सर, कुणाल जी ये आपके लिमिटेड इंटरवेंशन में इनका अनलिमिटेड इंटरवेंशन हो रहा है, देखो आपने एकदम सही वाला स्टॉक लॉस निकाल के दिया लेकिन आशीष जी मान नहीं रहे। अच्छा एक और पीएनबी पे भी राय दे दीजिए इनके लिए। देखिए अनिल जी पीएनबी की बात करें तो मुझे लगता है कि पीएनबी में डेफिनेटली मैं सहमत हूं कि स्ट्रक्चर बेहद कमजोर है, इनफैक्ट कभी स्ट्रांग हुआ ही नहीं, अगर आप पीएनबी का स्ट्रक्चर देखें तो आज तक तो कभी इसमें स्ट्रेंथ दिखी नहीं है, मामूली तात्कालिक तेजियां जरूर इसमें आई हैं, इन स्तरों पर मुझे लगता है कि पीएनबी बेच सकते हैं प्रोवाइडेड पीएनबी 71 के लेवल को तोड़ दे, 72 का लेवल है, आज भी आप देखें तो एक इंट्राडे रिकवरी हुई है 70 रुपए के आसपास, तो एक इंट्राडे सपोर्ट इसने जरूर 71 रुपए के आसपास क्रिएट किया है, वो टूट जाए तो डेफिनेटली 68 के टारगेट से बेचें, पीएनबी कमजोर दिखता है, मुझे लगता है 70 डेफिनेटली टूटेगा और उसके बाद आपको 68-67 हाफ के लेवल्स देखने को मिलेंगे, सहमत हूं मैं बेचना चाहिए। इनफैक्ट मैं जो ट्रैक कर रहा हूं अनिल जी वो आपने 27,250 बताया था निफ्टी बैंक, वहां आगे क्या 27,200 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, मूव बहुत स्ट्रांग है, इसलिए पूछ रहे हैं जिस समय सबसे तेज चल रहा है सेक्टर वो सिर्फ निजी क्षेत्र के बैंक्स पे फोकस रखे तो कमाई ज्यादा हो सकती है, 27,222 स्पॉट का लेवल इस समय 136 पॉइंट्स आपको एक्सिस बैंक खरीद लेना जी, जो आशीष सर अभी कह रहे थे और वैसे भी राजेश जी बैठे हैं, हम इनसे पूछ तो सकते नहीं क्योंकि एक्सिस वाले ही हैं, लेकिन एक्सिस बैंक जो स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले दे भी चुके हैं। आशीष सर आपको और कोई स्ट्रेटेजी देनी है? अनिल जी मेरे को एक ये भारती पे भी देनी है सर, भारती की 310 रुपए की ये भी इंदा मनी पुट लेके रखनी है, ये बजट के दिन 320 हो गया था, 302-304 के पास कंसोलिडेट हो रहा है, जबकि कुणाल जी ने इसमें बोल रखा है कि अच्छी मंदी 290 के नीचे आएगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करना है,
तो 310 रुपए की जो पुट है अनिल जी वो लॉन्ग करनी है और उसके अगेंस्ट 280 रुपए की एक पुट सेल करनी है। इसकी कॉस्टिंग बहुत ही कम आएगी सर, 6 से 7 रुपए की, और इस कॉस्टिंग से 30 रुपए का स्प्रेड बन जाएगा जो कि एक बहुत अच्छा स्प्रेड है भारतीय के लिए। पूरे 20 दिन पड़े हैं, अगर 10-20 रुपए की मंदी आती है तो इसमें अच्छा पैसा बन जाएगा। तो 310 रुपए की पुट भारतीय की लॉन्ग करनी है और 280 रुपए की उसके अगेंस्ट शॉर्ट करनी है। ये दोनों स्प्रेड जो है ना अनिल जी सारे पुट वाले 1:1 है, 1:2 नहीं है। ओके, एक पे एक, हाँ ये भी ठीक है। तो 310 की खरीदना है और 280 की बेचना है, तो कितने नेट नेट पैसे कितने लगेंगे सर? सर 6-7 रुपए में स्प्रेड बन जाएगा, मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बता देता हूं। ठीक है, 300 चले भारत तो 7 रुपए के आसपास बन जाएगा। सर 12.5 रुपए की नहीं, इसमें 9 रुपए लगेंगे सर। 12.5 रुपए की 310 की पुट है और 280 रुपए की 3.5 रुपए की है, तो 9 रुपए का स्प्रेड बनेगा सर ये। ओके, 9 रुपए का बनेगा स्प्रेड, ये है आपके लिए राय इस वक्त भारतीय एयरटेल में भी पुट खरीद कर। ओके, कुछ और स्टॉक्स है जहां पर एक्शन है और उन एक्शन में मैं फटाफट से राय ले लूं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा राजा बैटरी, राजेश जी इस स्टॉक को देखिए, 2% मजबूत है ये स्टॉक और 9% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है आज, और दिन के हाई पॉइंट पर पिछले 5 मिनट इस स्टॉक के लिए बहुत ही बेहतरीन है। क्या हो गया सर? अनिल जी मैं बिल्कुल चार्ट लगा के बैठा था, आप बात कर रहे हैं, बोलने वाला था कि बीटीएसटी देना चाहिए इस स्टॉक। आपके कंप्यूटर वैसे इतना ट्रांसपेरेंट आपका चार्ट बीच में स्क्रीन में, बताइए क्या हो रहा है सर? बिल्कुल, स्टॉक में जिस तरीके का बाइंग एक्शन देखने को मिला है, पिछले 4-5 दिन का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में, मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से 800 के ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल बाय करना चाहिए करंट लेवल पे। 770 स्टॉप लॉस रख के पहला टारगेट 800 और दूसरा टारगेट मुझे लगता है 810 का इसमें देखने को मिल सकता है। ओके, 800 और 810 का आपको देखने को मिल सकता है, खरीदारी करनी चाहिए हमारा राजा बैटरीज में। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर भी राय लेंगे और उसके जो रिजल्ट आने वाले, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज भी है हमारे पास, अनु मलिक साहब जानते हैं सब जानते हैं आपने पक्का बजट बाइट लिया होगा, आप इंडस्ट्री का रिएक्शन जानना चाह रहे थे। इस बार हमने ये इंटरेस्टिंग चीज की कि सारे बजट आपको, हमें मार्केट वालों को क्या अच्छा लगता है क्या खराब लगा वो तो ठीक है, तो हमने बजट के पहले फिल्म स्टार्स की भी बहुत सारी बाइट ली और अब बजट के बाद भी उनको पूछे हैं, और आपके एक दो फेवरेट फिल्म स्टार्स एक्टर एक्ट्रेसेस भी आने वाली है रजत, इसमें आपको नाम नहीं पता है? नाम मुझे पता है, मैं अभी बता के फिर आप थोड़ा सा संकोच करें, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद में सीधा वनर करेंगे, लेकिन फिलहाल आइए एक बार आपको अनु मलिक साहब की सुनवाते हैं, बजट से उम्मीदें पूरी हुई कि नहीं। इट इज अ फैंटास्टिक बजट जहां तक फार्मर्स आर कंसर्न, जहां तक मिडिल क्लास फैमिलीज आर कंसर्न, और इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज आई पर्सनली फील लोग कितना भी बोले कि इट्स अ बजट बिकॉज इलेक्शन आ रहा है, आई डोंट बाय दिस बिकॉज आई बिलीव दैट यू नीड स्वॉप्स फॉर द फार्मर्स। एंड मैंने और एक चीज नोटिस की है, एंटी पायरेसी के बारे में उन्होंने कुछ कहा है, आई थिंक इट्स द नीड ऑफ द आवर। तो अनु मलिक साहब बड़े खुश हैं बजट से, बोल रहे कि परफेक्ट बजट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आशीष जी, ये पिछले आधे घंटे में जिस तरह से बैंक निफ्टी भागा है, क्या ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि गुरुवार को रेट कट आ जाएगा? अच्छा भाई, दे आपको बता दूं और सबको ही बता दूं, इस बार पॉलिसी का टाइम चेंज हो गया, मालूम है ना, 11:45 पे आएगी पॉलिसी, पहले 12 बजे आती थी, फिर पटेल साहब को लगा कि नहीं दोपहर ठीक है टाइम 2:30 बजे वाला, ताकि क्या जल्दी जल्दी काम निपटे, फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस की चले जाए, लेकिन अभी शक्तिकांत दास साहब आए तो उन्होंने कहा नहीं अब 12:45 होगी, 11 बजे से लेकर 12:45 बजे तक एम्बार्गो रहेगा, 12:45 बजे बताया जाएगा कि ब्याज दर में कोई बदलाव है कि नहीं, पॉलिसी की क्या खास बातें हैं, उसके बाद 12:45 से 15 मिनट आपके पास है खेलो इंडिया खेलो, और 12 बजे से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी शुरू होगी, और जाहिर सी बात है शक्तिकांत दास साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी तो होगी नहीं, मिनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी नहीं, बड़ी वाली होगी, बिल्कुल आराम से लंबी चलेगी थोड़ी। तो ये बताइए कि बाजार को ये आइडिया लग रहा है क्या, या मन बना रहा है कि रेट कट आ जाएगा, इतनी तेजी क्यों आई है आशीष जी? अनिल जी शॉर्ट कवरिंग ज्यादा लगती है, और वो देखिए बाजार को संभालने के लिए अगेन फिर 2-3 स्टॉक्स हैं सर, एक एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक भी हमने उस दिन बात की थी कंसोलिडेशन में रहेगा, फिर वो नीचे नहीं, के स्तर नहीं, नहीं, था 345-50 नहीं नहीं आशीष जी 60 या 65 ये तो आप किस किस स्टॉक से तेजी आ रही होता है, मैं तो वजह जानना चाहता हूँ तेजी आ क्यों रही है, शॉर्ट कवरिंग आ क्यों नहीं, किस बात का डर है शॉर्ट सेलर को? आप स्क्रीन पे बैठे हो, एक मिनट, आप स्क्रीन पे बैठे हो उसके बाद भी शॉर्ट कवरिंग हो, मजा ले कोई ऐसे मार्केट में?
नहीं जी, एक चीज आप नोटिस करिए, मैं कभी भी बैंक निफ्टी की सेलिंग की कॉल नहीं लेता हूँ सर। जो बैंक निफ्टी तीन स्टॉक से मैनेज हो सकती है वो आपके मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं सबको बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी लोग वीकली ऑप्शन में बहुत काम करते हैं। मैंने सर आज तक बैंक निफ्टी की कॉल नहीं दी है। मैं बैंक्स की जरूर लेने बेचने की कॉल देता हूँ बट बैंक निफ्टी की नहीं। और इंसिडेंटली अगर कोई चीज लॉन्ग है इस वक्त तो एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये दोनों स्टॉक्स ही हैं जो मैं सबको लॉन्ग बोल रहा हूँ, पोजिशनल कॉल बोल रहा हूँ 2019 के लिए, प्री इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन। तो ये दोनों स्टॉक है, चाहे डिलीवरी के लिए, स्ट्रेटेजी के लिए या फ्यूचर के लिए। तो इसलिए सर बैंक निफ्टी तो मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। बट प्राइमरीली क्या होता है कि सर लोग क्या होता है कि जब शॉर्ट देखते हैं ना वो कहते हैं ये चीज तो बहुत घट गई है, इससे क्या होगा। या जैसे कुणाल जी ने भी बिल्कुल ठीक बोला कि 180 रुपए में संकोच करेंगे यस बैंक को बेचने के लिए, उनको लगेगा कोटक बहुत बड़ा होगा ये बेच देते हैं। तो ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी होती है, इसमें नहीं करना चाहिए और इसी की वजह से शॉर्ट कवरिंग आती है। अनिल जी बात तो सही है, इसी वजह से शॉर्ट कवरिंग होती हुई भी दिख रही है। चलिए तो शॉर्ट कवरिंग है लेकिन पता नहीं अब पॉलिसी को लेकर बाजार बुलिश हो रहा है या कुछ और वजह है, ये तो साफ दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों ही मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं, कुछ और शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी बताएं सर, चांस है राजेश जी? एचडीएफसी बैंक में जरूर बाइंग देखने को मिली, सारी प्राइवेट बैंक्स में जिस तरीके की बाइंग है इसमें भी बाइंग देखने को मिली है। स्टॉक का जो हायर साइड का लेवल है 2120 का है, अगर वो स्टॉक 2120 को क्रॉस कर लेता है एचडीएफसी बैंक तो मुझे लगता है इसमें और एक्सटेंड होना चाहिए। अभी भी स्टॉक में हायर साइड का जो मेजर हर्डल रहेगा वो 2150 पे, तो 2120 के ऊपर 2150 नेक्स्ट टारगेट होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें भी लॉन्ग पोजीशन रखना चाहिए लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अडॉप्ट करना चाहिए 2100 का, 10 रुपए नीचे का यहां से। सो 2100 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है, 2120 2150 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अनिल जी जैसे आप बता रहे थे बैंक निफ्टी में भी देखें तो पुट राइटर जो है वो थोड़ा थोड़ा माइंडली अपना पोजीशन अनवाइंड कर रहे हैं, तो वो एक लग रहा है कि थोड़ा सा एक सिग्नल है। और अगर देखें तो पुट राइटर मतलब जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई, हाँ जी वो अभी कम कर रहे हैं, वो 2700 जी हाँ थकावट वाला लेवल है। सो वहां दिखने को मिल रहा है कि एक हायर साइड पे 27500 जहां पे 9 लाख शेयर का कॉन्सेंट्रेशन है अभी, तो मुझे लगता है कि ये 27200 के ऊपर रहा तो 27500 की जो वॉल है वहां तक एक बार बैंक निफ्टी, ये वीकली वॉल बता रहा हूं मैं, तो 7 फरवरी की जो एक्सपायरी उसमें 9 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। आपका वॉल मतलब दीवार वाला है या वोलेटिलिटी का? वो एक और आपके दोस्त आते हैं ना, क्या नाम है उनका, विश्वेश जी आज, हाँ वो वॉल का मतलब वोलेटिलिटी को वॉल बोलते, बड़ा कंफ्यूजन है। आप तो अच्छा मतलब 27500 तक कॉल कंसंट्रेशन का वॉल बता, हाँ एग्जैक्टली कंसंट्रेशन का वॉल है, 27300 निकला तो 27500 ये बराबर है, ये सही कर रहे हैं आप। चलिए लेकिन जो नतीजे आ गए उन पे कंसंट्रेट करते हैं, और ऑयल एंड गैस स्पेस फोकस पर रहेगा, एचपीसीएल और गेल के नतीजे हैं, और इसके अलावा टेक महिंद्रा, ये दोनों ही रिजल्ट्स बताने के लिए इनहाउस रिसर्च एनालिस्ट मौजूद हैं। संदीप बताएंगे एचपीसीएल और गेल के नतीजे और कुशल बताएंगे टेक महिंद्रा के नतीजे। सबसे पहले संदीप आपके पास आते हैं, बताइए एचपीसीएल और गेल का प्रीव्यू। देखिए गेल की जहां तक बात है तिमाही दर तिमाही अगर आप नंबर्स को देखें तो कमजोर नजर आएंगे। देखिए इनके चार सेगमेंट्स हैं जिसमें गैस ट्रेडिंग, गैस ट्रांसमिशन, एलपीजी और पेटकेम। अगर आप एलपीजी को छोड़ दीजिए बाकी जो तीनों सेगमेंट्स हैं उनमें तिमाही दर तिमाही आपको वीकनेस ही नजर आएगी। गैस ट्रांसमिशन के वॉल्यूम कम हो रहे हैं क्योंकि पावर सेक्टर से मांग कम हो रही है। ट्रेडिंग साइड की जहां तक बात है तो स्पॉट के जो कीमतें बढ़ी हैं उससे इनको जो ट्रेडिंग साइड है उसमें वीकनेस देखने को मिलेगी। और पेटकेम में इन्होंने एक बड़ा शटडाउन लिया था इस तिमाही में तो उस वजह से इनके वॉल्यूम्स घटते हुए दिखेंगे, जिससे ओवरऑल ये सेगमेंट में वीकनेस की ओर ही रहेगा। केवल एलपीजी सेगमेंट है जहां पे इन्होंने जो कीमतें बढ़ी हैं उस वजह से इनके जो रिलेशंस हैं वो इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। तो जो बाकी तीन सेगमेंट्स की कमजोरी है ये जो एलपीजी सेगमेंट से मजबूती आएगी वो उसे काफी हद तक निगेट करता हुआ दिखेगा। हमारा ऐसा अनुमान है कि इनकी जो आय है वो 5% गिरती हुई दिखेगी, कारोबारी मुनाफे में करीब 16% के आसपास का डिप आएगा और मार्जिन जो कि 15.2% के थे वो घटकर 13.5% के भी नीचे आते हुए दिखेंगे। और जो मुनाफा है क्योंकि अन्य आय भी इस बार कम रहेगी और टैक्स दर भी बढ़ सकती है तो उस वजह से जो मुनाफा है वो कारोबारी मुनाफे से ज्यादा गिरेगा, 20% गिरकर 1564 करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है। तो गेल के नंबर्स अगर आप देखें तो तिमाही दर तिमाही यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल सकती है। खराब नतीजे हैं तो वीकनेस नहीं, मुनाफा बोल रहे हैं कि 20% घटेगा, कामकाजी मुनाफा 16% घटेगा, रेवेन्यू 5% घटेगा, टैक्स कंपोनेंट वो कम हो रहा है, अन्य आय कम हो रही है, तो कुछ ऐसा है नहीं जो यहाँ पर सपोर्ट कर पाए। शॉर्ट करना है सर राजेश जी गेल को? देखो जरा एक बार इसके आंकड़े, खराब रिजल्ट की आशंका है। एचपीसीएल तो आप बोल रहे थे, एचपीसीएल आप ही बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे एचपीसीएल भी किसी ने आज सुबह दी थी मेरे ख्याल से, हाँ शुभम बोल के गए थे आज सुबह सुबह की शॉर्ट करने की राय है। गेल एचपीसीएल क्या शॉर्ट करेंगे? देखिए गेल में 325 का लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर वो टूट जाता है तो फिर बिल्कुल फ्यूचर कैश, ये कैश का लेवल है, कैश तो कैश दिखाओ गेल, हाँ 325 का लेवल अगर गेल में टूट जाता है तो फिर बिल्कुल इसको शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें देखें तो एक
पिछले कुछ तीन चार वीक से देखें तो एक थोड़ा सा म्यूटेड मूव देखने को मिला, 340 से 320 ये एक रेंज में घूमता रहा पिछले चार वीक से। सो अब आज अगर 325 टूटता है रिजल्ट के कमजोरी के चलते तो फिर बिल्कुल शॉर्ट करना चाहिए, मुझे लगता है नीचे के लेवल फिर 310 तक आएंगे। एचपीसीएल ये तो उल्टा चल रहा है, इधर 331-32 है उधर फ्यूचर में तो 327 ही है, ₹4 हाँ डिस्काउंट में डिस्काउंट में चल रहा है। अच्छा तभी मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ₹2 तो मतलब ओके तो 325 के नीचे बेचते हैं जी बिल्कुल। एचपीसीएल तो बिल्कुल वीक ही है, मुझे लगता है कोई भी इसमें पुलबैक एक्शन आती है तो इसको शॉर्ट ही करना चाहिए इसके, जब तक 235 का लेवल कैश सेगमेंट में क्रॉस नहीं करता है मुझे लगता है कोई भी उछाल में इसको बेचना ही चाहिए। नीचे में मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से स्लोली स्लोली स्लाइड होके 215 तक के लेवल मुझे लगता है लोअर साइड में देखने को मिल सकते हैं, तो 234 इसका हर्डल है, वही स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट भी किया जा सकता है, 215 इसके नीचे के टारगेट। चाहे वो संदीप से पूछ लें क्योंकि एचपीसीएल घाटे में आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। संदीप से पूछ लें, संदीप घाटे में आ रही है एचपीसीएल इस बार? इनफैक्ट रजत आशंका तो इस चीज की है कि शायद कारोबारी संदीप रुको 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 एक साइड के रिजल्ट आ गए भाई, 155 करोड़ ये है मुनाफे का आंकड़ा 175 करोड़ रुपए के सामने, माफ कीजिए अनुमान के सामने, तो अनुमान से मुनाफे का आंकड़ा आया है कम, और आज सुबह सुबह पीसीआर में नितिन जी ने इसका पुट खरीदने की राय दी थी आपको, तो मंदी की राय दी थी, मंदी वाले ऐश करिए, बढ़िया 2% नीचे स्टॉक आ चुका है। कुणाल जी तैयार करिए चार्ट फटाफट, बाकी आंकड़े में मैं आपके सामने रखूंगा, आय का आंकड़ा और उसके अलावा दूसरे आंकड़े जो आय 2500 करोड़ ये है आय का आंकड़ा, हमारा अंदाज ऐसा 2523 करोड़ एग्जैक्टली वही आय का आंकड़ा है, और मुनाफे का आंकड़ा 175 करोड़ का आया है, तो ये दो आंकड़े आपके सामने करोड़ का 155 माफ कीजिएगा 175 का तो अनुमान था 155। कुणाल जी चार्ट जी देखिए साफ सपोर्ट चार्ट पर नजर आता है ₹218.50 पर, उसके नीचे मेरी बिकवाली की राय है इन स्तरों पर नहीं बेचना चाहिए, 218.5 ₹218.50 का स्तर फ्यूचर में टूटे तो शॉर्ट करें, और फिर मुझे लगता है कि ₹213 का टारगेट होगा नीचे की ओर, ऊपर की ओर जब तक 225 के ऊपर नहीं निकलता तेजी नहीं करनी चाहिए, तो 225 और 218.75 ये दो लेवल्स हैं जिनको वॉच कर। एक मिनट 218.75 का क्या सिग्निफिकेंस है, इसके नीचे खराब है जी अनिल जी, ₹218.75 के नीचे खराब है, और फिर टारगेट ₹213 का है, ऊपर की ओर 225 निकलेगा तो ही खरीदें, और फिर ₹232 का लक्ष्य होना चाहिए, तो ₹218.75 पर एग्जैक्ट ट्रेड कर रहा है फिलहाल, 218.75 के नीचे निकला तो शॉर्ट करें, और फिर 213 का लक्ष्य फ्यूचर के लेवल है ना जी जी अनिल। तो चलिए ये है एक साइड, राय रखेंगे कुछ एक साइड पे आप आशीष सर नतीजों को देखकर, 155 करोड़ का मुनाफे का आंकड़ा उम्मीद से थोड़ा सा कम है। अनिल जी पिछले वाले रिजल्ट थोड़े से दिक्कत वाले हैं, और बट ये ना काफी करेक्ट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि सर जो पोजिशनल वाला है ना उसमें अब ये फ्रेश शॉर्ट नहीं बनता, इसमें इसको कहीं ना कहीं अभी लेने का भाव आने वाला है मेरे हिसाब से, तो ये मतलब जो कुणाल जी ने लेवल बोले 1850 के नीचे, मुझे लगता है फास्ट ट्रेडर को इसमें बेच के 5-7-10 रुपए मिले तो ले लें, लेकिन जिससे को पोजीशन लेना है तो इस करेक्शन के बाद उसको कहीं ना कहीं लेना चाहिए, क्योंकि अनिल जी इलेक्शन से पहले अगले 2 महीने में जरूर बॉटम बनेगा, काफी स्टॉक्स के बॉटम बनेंगे, अब इलेक्शन के बाद के लिए कुछ स्टॉक्स जो लेने हैं उनमें से मेरी लिस्ट में जैसे मैंने डाबर पहले बोला था, एक्सिस बैंक है, कोटक है, एक एक्साइड भी है सर कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है कि करेक्शन बहुत हेल्दी है फॉर अ पोजिशनल लॉन्ग, चलिए नीचे में कहीं कहीं खरीदेंगे, और वैसे भी 218.75 कुणाल जी ने जो बोला वो लेवल तो टूटता ही नहीं है, ये पता नहीं ऐसा मतलब ब्रेक लगा देते हैं ना गिरते हुए शेयर के, तो वो एकदम पावर ब्रेक होता है ना जो एकदम से लगता है वहीं का वहीं रुक जाता है, एग्जैक्टली वैसे ही हो गया है, तो पावर ब्रेक लगा चुके हैं कुणाल जी एक साइड पर, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा टेक महिंद्रा के रिजल्ट भी पूछ लें, नहीं पहले वो एचपीसीएल क्योंकि मैं बात कर रहा था, रह गया था क्या? हाँ रह गया था, बताओ बताओ घाटा पूछना है कितना आ रहा था एचपीसीएल, बताएं संदीप कितना घाटा आ रहा है इस बार? इनफैक्ट रजत आप कह रहे हैं कि घाटा आएगा, मैं तो कह रहा हूँ कारोबारी स्तर पे भी अगर आप बड्डा लेवल पे भी देखिए तो एक कंपनी मुनाफे से घाटे में आ सकती है, क्योंकि इस बार जो क्रूड की इन्वेंट्री लॉसेस हैं उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, हमारा अनुमान है जो $4.8 के जीआरएम थे दूसरी तिमाही में वो तीसरी तिमाही में -0.7 से $1 माइनस रह सकते हैं, तो इन्वेंट्री घाटा जो हुआ है उसका जीआरएम पे इंपैक्ट रहेगा, वही कारण है जो इन्वेंट्री लॉसेस है उनका नंबर्स पे भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा, 2122 करोड़ रुपए का एबिटडा मुनाफा था वो घटकर 143 करोड़ रुपए के घाटे का नंबर आ सकता है, और नेट लेवल पे भी अगर आप देखें 1092 करोड़ रुपए का मुनाफा था 216 करोड़ रुपए का घाटा आ सकता है, क्योंकि इन्वेंट्री लॉसेस जो है वही नंबर्स को इंपैक्ट करते हुए दिखेंगे। ओके तो ये है एचपीसीएल के नतीजे आने का अनुमान आपके सामने, अनुमान एक और ले लेते हैं टेक महिंद्रा,
कुशल गुप्ता हमारे साथ है। कुशल, कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? जी अनिल जी, देखिए टेक महिंद्रा के नतीजे ठीक रहने का अनुमान है। अगर आय फ्रंट पे देखें तो करीब 4% की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर डॉलर आय देखें तो उसमें क्रॉस करेंसी जो बढ़त है वो करीब 2.8% की है, और ओवरऑल जो डॉलर आय है वो 2.4% का बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि 40 बेसिस पॉइंट्स की हेडविंड है। वहीं अगर हम मुनाफे की बात करें तो वो 8% बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि टैक्स दर में 2% की कटौती आने की संभावना है, जिस कारण मुनाफा 8% बढ़ सकता है। वहीं मार्जिन की बात करें तो रुपए में गिरावट और साथ साथ वेज हाइक पिछली तिमाही में ना होने से जो मार्जिन है उसमें करीब 0.3% का इजाफा हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल नतीजे ठीक रहने का अनुमान है। ओके, तो ये है टेक महिंद्रा के नतीजों का अनुमान आपके सामने। रिजल्ट के पहले टेक महिंद्रा कुछ खरीदना या बेचना है? चार्ट तैयार है क्या आपके राकेश जी, जरा बताइए। टेक महिंद्रा स्टॉक एकदम कल के लेवल के आसपास ही निचले स्तरों से रिकवर करके आया। देखिए अनिल जी, रुझान टेक महिंद्रा का काफी पॉजिटिव रुझान है, और नतीजों से पहले यहां पर अनिल जी खरीदने की राय है। यहां पर नीचे में शॉर्ट टर्म के लिए 730 एक अच्छा बेस बना हुआ है, और टेक्निकली ये स्टॉक 770-772 तक जाने का पोटेंशियल रखता है इमीडिएटली रिजल्ट आने से पहले, रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि रुझान काफी पॉजिटिव है। ओके, रुझान पॉजिटिव है, खरीद सकते हैं। नतीजा है अभी वो किसका? टेक्स मैक्रो रेल एंड इंजीनियरिंग के। अच्छा अच्छा, यहाँ पर जो मुनाफे की फिगर वो 4 करोड़ से बढ़ी और सीधा पहुंच गया 18.8 करोड़। लगभग 19 करोड़ का मुनाफा है। 4 गुना, 4.5 गुना देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन 409 करोड़ इनकम होगी। स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, 6% ऊपर है ये स्टॉक फिलहाल। एक बार कुणाल जी चार्ज बताओ। अनिल जी देखिए, एक 61 रुपए पर रेजिस्टेंस है, आज का डे हाई भी 61 रुपए है, और 61 रुपए से ही ये पहले भी गिरा है, तो मुझे लगता है 61 पार होगा तो इसमें नई तेजी बन सकती है। जिस तरह का इसका मोमेंटम रहता है, ये एक दिन चलता है और फिर कई दिनों तक गिरता रहता है, तो मैं इसमें बहुत अग्रेसिव खरीदारी की राय नहीं देता हूं। जब तक 61 रुपए पार ना हो खरीदे ना, और अगर 61 रुपए पार होता है आप खरीदते हैं तो 59 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। 61 पार हुआ तो 64 तक का एक मूव बन सकता है। मैं भी सीखूंगा वैसे। क्या चीज कि 218 के नीचे जाएगा तो बेचे और 61 के ऊपर जाएगा तो खरीदे। कंडीशनल बाय और कंडीशनल सेल जो होता है ना, ये बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर है सीरियसली। तो कुणाल जी तो पूरे हिंदुस्तान को सिखा रहे हैं, आपको भी कुणाल जी सिखा देंगे ना रजत को? अरे जी, रजत से तो मैंने इतनी चीजें सीखी हैं, इनको सिखाने में तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, तो इसका मतलब अच्छा मुझे लगा तो बिल्कुल डॉट वही लेवल जिस लेवल पे जाके कुणाल जी ऐसे थोड़ी कुणाल जी है, खतरनाक है। मतलब बता रहा हूँ ना, वो जहाँ ब्रेक लगा दिया, मतलब आशु सर खाली इन्हीं को पूछते हैं कुणाल जी राकेश जी को कि बताओ लेवल बताओ, और उनको भी डर इतना है इसलिए लिमिटेड इंटरवेंशन के साथ पूछते हैं, बोले कहीं मेरी रिसर्च फेल ना हो जाए इनके सामने इस चक्कर में। लेकिन स्टॉक है फिलहाल 5% ऊपर, 230 करोड़ से बढ़कर 409 करोड़ की फिगर आय के तौर पर, मुनाफे की फिगर 4 करोड़ से बढ़कर सीधा पहुंच गई 18.8 करोड़। एक भी कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए कुणाल जी। जी एक बीटीएसटी कॉल है मेरे पास काफी वक्त से, तो बिगुल बजा दीजिए। बिल्कुल, मैं वो शेयर कर पाऊं। बिल्कुल बीटीएसटी का बिगुल। बताए सर। अनिल जी बेचने की राय है, और बेचना है वॉकहार्ट फार्मा, जो कि लगातार सारे अपने पेयर सेट को, सारे फार्मा कंपनीज को हमेशा से अंडर परफॉर्म करता रहा है, और आज इसने 450 के एक अहम सपोर्ट को भी अभी तोड़ा है। लगातार ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, इन स्तरों पर शॉर्ट करने की राय है। 436 रुपए पर फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रखना है, 410 रुपए पहला टारगेट और 400 रुपए दूसरा लक्ष्य होगा, तो अग्रेसिव बड़े टारगेट्स हैं। मौजूदा स्तरों पर शॉर्ट करें वॉकहार्ट फार्मा। और अनिल जी क्योंकि हमारे पास शेयर्स के संहारक आशु मदान जी भी हमारे साथ हैं, तो मैं उनकी राय भी इस पर लेना चाहता हूं, उनका फुल इंटरवेंशन चाहता हूं इस पर। शेयर के संहारक मतलब जो संहार कर रहे थे, मतलब वध कर देते हैं सर, वो डिस्ट्रॉयर ऑफ शेयर्स। आशु सर नई डेजिग्नेशन आई है इंग्लिश में, अब तक तो हिंदी में मंदड़ी के सरगना ही थे आप। बताइए सर। सर मैं बता रहा हूँ, ये जो एडवांटेज है ना कुणाल जी के पास के बायलिंगुअल और पता नहीं मल्टीलिंगुअल है, ऐसे ऐसे हार्ड कोर वर्ड्स लेके आते हैं, मतलब स्पीचलेस कर देते हैं सर। अनिल जी बिल्कुल राय 100% है, इसलिए मेरे को सन फार्मा वॉक फार्मा दोनों ही। देखिए स्टॉक्स तो सिलेक्टिवली अनिल जी, ये मार्केट ना कई टॉपिश है, जो मैंने आपको 11,020 का लेवल बोला है, हम फिर 10,900 कुछ पे आ गए हैं,
तो आखिरी 50 पॉइंट की रह गई है। तो ऐसे में निफ्टी में अगर कॉशियस रहना भी है वो मुझे नहीं लगता कि वो पार करेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन अगर 3 लॉन्ग है 2 लॉन्ग है तो शॉर्ट जरूर होने चाहिए और उनमें ऐसे ही स्टॉक चूज करने हैं कि जिनमें जो और जिनका रुझान खराब लगता है। तो वॉक फार्मा बिल्कुल सर मेरा पूरा सपोर्ट है कुणाल जी के साथ और कोई 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 प्रॉब्लम ही नहीं है। और दूसरी चीज अनिल जी एक और भी चीज है कि ये हिंद पेट्रो की भी जो बात कर रहे थे ना, मुझे एचपी बीपी दोनों ही वीक लग रहे हैं और हिंद पेट्रो के भी अगर नंबर खराब आते हैं तो एक नई मंदी भी इसमें शुरू हो सकती है, तो इसमें भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सिर्फ दिक्कत ये है कि अनिल जी कि ये सारे स्टॉक्स ना फिर लोएस्ट लेवल पे आए हुए हैं। जो कुणाल जी से मैं लेवल पूछता हूं उसका कारण ये होता है कि नीचे ना बिक जाए, क्योंकि फिर सब लोग पूछने लग जाते हैं स्टॉप लॉस क्या है। जैसे उस दिन भारतीय 306.7 रुपए था, वहां से बजट वाले दिन 322 रुपए हो गया, आज वापस 304 हो गया। तो कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं जैसे वो होता है ना लौट के बुद्धू घर को आए, उनको आना तो वही है लेकिन अगर नीचे के भाव पे बिक जाए तो स्टॉप लॉस करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए एक अच्छे भाव पे बिक जाए तो बेटर होती है। इसलिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कुणाल जी और राकेश जी देते हैं, तो इनसे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो ये है आपके लिए दोनों स्टॉक एचपीसीएल और बीपीसीएल वगैरह में यहां पर राय और बुखार में भी बिकवाली की राय। अब आइए देखते हैं बैन से बेनिफिट। और कौन से स्टॉक्स हैं जो बैन में जा सकते हैं या बाहर आ सकते हैं, हर रोज की तरह हमें बताने के लिए रजत हमारे साथ है स्टूडियो में, लेकिन सवाल पूछने के लिए आज रजत सवाल पूछेंगे बताएं। देवांशी बताएंगे, देवांशी बताएं। आप तो सवाल मैं बताया था कि ऑलरेडी बैन में कौन सा है वो तो पता है आईडीबीआई आईडीबीआई बैंक में, लेकिन कोई नया आ सकता है कि नहीं, हालांकि सीरीज की शुरुआत है क्योंकि उम्मीद तो बहुत कम होती है। देवांशी फिर भी बताएं कोई स्टॉक है जो बैन लिस्ट में आ सकता है। जी रजत, यहाँ पे दो स्टॉक्स हैं जो यहाँ पे बैन में आ सकते हैं और अच्छा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आईडीबीआई जो बैन में है उनमें आज भी पोजीशंस थोड़ी सी एडअप हुई है, 112% है, तो वो भी बैन में रहने की उम्मीद है लगातार दूसरे दिन। और इसके अलावा डीएचएफएल यहाँ पे पोजीशंस काफी बड़ी 112% मार्केट वाइड पोजीशन बनी, और इसके अलावा रिलायंस कैपिटल ये भी दूसरा स्टॉक है जो बैन में आ सकता है। तो आईडीबीआई आ सकता है और कोई और आईडीबीआई तो आईडीबीआई है, सॉरी डीएचएफएल आ सकता है, डीएचएफएल आ सकता है और रिलायंस कैपिटल यहाँ पे भी 100% से ज्यादा पोजीशंस। गजब, मतलब क्या कमाल किया आपने। मैं बताऊँ आपको ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रजत जब ये लिंक देता था सीरीज की शुरुआत में 8-10 दिन तक एक स्टॉक नहीं लाता था ये बैन में और आपने पहले दिन देखो कमाल। रजत सीखी नहीं है, अभी वो बोल रही प्रोबेबिलिटी है, अभी मानने को तैयार नहीं है, आ जाएंगे कल रजत। मतलब अगली बार रजत तो अगली सीरीज से थोड़ा परफॉर्मेंस सुधरना चाहिए आपका। आपका 8-10 दिन तक बैन में नहीं आते स्टॉक, अगर आगे तो बहुत बेहतर, बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है, कुछ बैन में आए तो जाके बिकवाली रुकेगी, नहीं तो ये तो वन वे फॉल है जिस तरीके से देखने को। चलिए तो रिलायंस कैपिटल और डीएचएफएल दोनों बैन में आने की तैयारी में, तो बैन में आने के पहले छटपटा तो रहे हैं राजेश जी। जो रिलायंस कैपिटल नीचे जा रहा है डीएचएफएल ऊपर आ रहा है, दोनों में अगर किसी की तेजी या मंदी की पोजिशन है तो क्या करना है ये बताइए। देखिए डीएचएफएल में अगर मंदी की पोजीशन है तो मुझे लगता है कि एक बार बुक कर लेना चाहिए, मंदी की पोजीशन काट लें। हाँ। तेजी की है तो, तेजी की है तो स्टॉप लॉस हो जाएगा 110 रुपए का। आप तेजी की पोजीशन का स्टॉप लॉस है 110 के नीचे इंटरडे खराब है बिल्कुल, ओके, और मंदी की है तो काट लेना चाहिए। हाँ जी, और कैपिटल में मंदी की पोजीशन बिल्कुल होल्ड रखें, मुझे लगता है इसमें और यहाँ से गिरावट है 135 तक। मंदी आप एमपी से? हाँ बराबर राइट, हाँ वहाँ मंदी को मंदी बोलते हैं, करेक्ट बिल्कुल सही है। तो हाँ रिलायंस कैपिटल में क्या करना, मंदी वाली पोजीशन 135 तक का टारगेट लगता है मुझे, बैन में आ गया तो 135 तक ये स्लाइड हो जाएगा स्टॉक। अच्छा तो होल्ड रखना चाहिए। मंदी स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? यहाँ से स्टॉप लॉस होगा 158 रुपए का, 150। और तेजी की? तेजी की पोजीशन तो किसी की होगी तो वैसे ही भगवान का नाम ले रहा है। भगवान का नाम लो, ये भगवान का नाम लेने पे मजबूर भी ये दो लोगों ने किया है, पता ही होगा आपको। एक तो आशु जी उसको उनके साथ देने के लिए और तैयार हो गए, ऊपर से बंसल जी, बंसल जी बैन में भी आ रहा है, अब तो खुश हो आप? अनिल जी मैं बिल्कुल खुश हूं, बट अनिल जी मुझे एतराज है, मैं मार्केट में अनिल जी अकेला चलता हूं, मैं किसी के साथ की वेट नहीं करता हूं। रीजन ये है कि जहां जहां मैंने साथ पाया या साथ देखा है ना वहां गलत निकला हूं। आपको तो क्या लगता है, आप बोलोगे हम मान लेंगे आपकी बात? कुणाल जी की नहीं, आपको क्या लगता है आप ऐसा बोलोगे हम आपकी बात मान लेंगे? अरे हमने आपको कितनी बार कुणाल जी और आशीष जी के साथ डिनर करते हुए देखा है, ट्विटर पे बाकायदा फोटो आई है। देखिए आप अनिल जी सबका अपना अपना है, आशीष जी तो बिल्कुल गब्बर टाइप है, गब्बर इज बैक। लेकिन आशीष जी रिलायंस कैपिटल बहुत ही बोल्ड और स्ट्रॉन्ग कॉल था आपका। अनिल जी जी बोलिए,
अनिल जी शायद इसीलिए इन्होंने दो दिन पहले ना मेरिन ड्राइव पे फोटो खिंचवाने से मना कर दिया। मैं डेफिनेटली एक चीज बोलूंगा सर, इन्होंने साथ देना ज्यादा शुरू कर दिया है। मेरा साथ लेना ले, लेकिन इन्होंने अपना साथ देना मुझे ज्यादा शुरू कर दिया है, तो मैं उस चीज के लिए बहुत आभारी हूँ और थैंकफुल हूँ, क्योंकि राकेश जी की भी जो कन्विक्शन होती है बहुत बढ़िया होती है और हमेशा हेल्प करती है। हाँ, वो ट्विटर पे वो वाला लिंक भी जो हमने आपको शनिवार को बजट कैफे किया था, तो उसमें आप दोनों की दोस्ती कैसे भी वो भी बड़ा ट्रेंड हो रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। तो अच्छा आशुष जी, अभी बताइए रिलायंस कैपिटल करना क्या अभी भी अगर किसी के पास रह गया तो? अनिल जी देखिए, अब किसी के पास, अब रह किसके पास गया, जिसके पास लॉन्ग रह गया है। शॉर्ट तो जिसने जिस भाव पे किया वो साथ साथ कवर करता ही जा रहा है। सुबह जो परसों बेच के गया था उसको 20 रुपए नीचे मिला, जिसने इंट्राडे आपके कहने पे शॉर्ट किया उसको 20 रुपए नीचे मिला। सर जर्नी तो डाउन ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगेन क्या है कि सर मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा इन द मनी पुट्स लेके बैठ जाना चाहिए, क्योंकि डाउनवर्ड जर्नी कहीं ना कहीं तो टर्मिनेट होगी। बट यह कि ऐसे लेवल पे बिकते ना आपका स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हो जाता है। आप भी आज देखिए इंट्राडे 160 से भी ये 5-7 रुपए बड़ा था। जी जी बिल्कुल ठीक बात है। तो रिलायंस कैपिटल 135 तक भी जा सकता है, राजेश जी की राय है खरीदना तो है ही नहीं, 15 रुपए और यानी 10% की जगह तो और है। चलिए बढ़िया बात है, तो ये है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्री 3.5% ऊपर है। 3.5 माय गॉड ओनली विमल ADAG नीचे रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊपर, मैं तो ये सोच रहा था बिल्कुल विपरीत स्थिति में दोनों ही समूह का। बात तो सही है, बिल्कुल सही सोचो, 1300 के नजदीक आ चुका है फिलहाल, 3.4% की बढ़त देखने को मिल रही है। 1300 वाओ लवली। राजेश जी देखिए चार्ट्स, BTSC के लिए परफेक्ट है, जितनी ADAG की मार्केट कैप गिरी उतनी शिफ्ट हो गई रिलायंस की, शिफ्ट में रिलायंस में शिफ्ट हो गई है वो। क्या करना है? बिल्कुल तेजी की पोजीशन तो उसमें कैरी करना चाहिए, स्टॉक तो बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है, कोई भी गिरावट आती है इसमें बिल्कुल बाय पोजीशन रखना चाहिए। स्टॉक में मुझे लगता है 1350-1400 तक के टारगेट भी इसमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। BTST पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बाय कर रहे हैं तो 1280 का स्टॉप लॉस होगा कैश सेगमेंट का, और मुझे लगता है यहाँ से टारगेट इसका जो लगता है 1310-1315 के टारगेट देखने। अरे बंसल जी बाकी तो बहुत बार आप रिलायंस करते हो, इतनी बार इस बार आज कैसे मिस कर दिया आपने? अनिल जी मिस नहीं करा, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था, ट्रेड मुझे समझ में आ रहा है अनिल जी, काफी अच्छा ट्रेड समझ में आ रहा है। पहला तो अनिल जी रिलायंस को बिल्कुल बाय करना चाहिए, जो अभी राजेश जी ने बोला 1315 पहला टारगेट बैठता है, 1320 दूसरा टारगेट बैठता है, और यहां पे बाइंग करके चलना चाहिए 1270 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसके साथ साथ अनिल जी दो स्टॉक्स और मंदे लग रहे हैं, बस मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, उसको बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि 6 तारीख को नतीजे हैं और आशु जी की नजर से बचे हुए हैं, तो 5 मिनट दीजिए मैं लेवल्स नोट करता हूं फिर शेयर करता हूं। ओके ये है आपके लिए रिलायंस पर आए। अच्छा अपोलो टायर्स, इसके भी रिजल्ट कल आएंगे ना, अपोलो टायर्स के रिजल्ट ठीक है, तो अपोलो टायर्स के रिजल्ट तो टायर तो आप ही ट्रैक करते हो ना पूरा ऑटो इनफैक्ट, पर मैं ये इसको बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा था क्योंकि जो सीएट अपोलो, तो जरा अनुमान बताओ अपोलो का कैसा रह सकता है। सीएट के नतीजों के बाद तो सेंटिमेंट बिगड़ा क्योंकि वहां तो ऑपरेटिंग मार्जिन के फ्रंट पे भी खराब थे, लेकिन अपोलो में देखिए इनके डेप्रिसिएशन बढ़ी और साथ ही साथ अन्य आय यहां पर भी घटने का अनुमान है, तो उसका असर इस बार मुनाफे के फिगर पे आएगा, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुनाफे के फिगर लगभग 8% घटेगी सालाना आधार पर, तिमाही दर तिमाही पर भले ठीक हो लेकिन सालाना आधार पर 8% की गिरावट देखने को मिलेगी। दूसरा इनके दो सेगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है OEM और दूसरा रिप्लेसमेंट जो मेन मार्केट है लगभग 60% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, OEM में लगभग 30% का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। रिप्लेसमेंट मार्केट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो OEM मार्केट है रिप्लेसमेंट मतलब जो टायर घिस रहे हैं वापस नहीं लग रहे, बहुत बड़ी मार्केट होती चली जा रही है इन कंपनियों के लिए, तो खास तौर से बड़ी मार्केट है, और साथ ही जो OEM सेगमेंट है दिक्कत यहां पर आ रही है, यहां पर दिक्कत है उसका असर देखने को मिलेगा मुनाफे के फिगर पे। अच्छा Q2 में IL&FS खाते के लिए इन्होंने 40 करोड़ की प्रोविजनिंग की थी, इनका क्या लेन देन है उनसे, वहां पर एक्सपोजर है 200 करोड़ का। अच्छा अपोलो का है 200 करोड़ का इनका इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट पे इनका एक्सपोजर है, मैनेजमेंट ने पिछली तिमाही में ऐलान किया था इनका भी IL&FS में, IL&FS फाइनेंशियल सर्विसेज में। बंथल जी वो कौन सी कहावत है कानपुर की, कौन सी लड्डू वाली, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं, ठगू के लड्डू है वो पैसा वाला IL&FS का एक्सपोजर सब जगह निकल जाता है। तो हाँ दोस्त बताइए बंथल जी आप जरा इस पे राय दीजिए, अपोलो टायर घूम फिर के वापस 200 आ गया, 200 के आसपास आता है प्रमोटर खरीदारी करते हैं, 235-30 के आसपास आता है लोग बिकवाली कर जाते हैं, अब रिजल्ट के पहले 200 करना क्या है?
देखिए अनिल जी, अभी तो बिल्कुल वेट एंड वॉच करना चाहिए। 195 इसका एक मेजर बेस है। 195 के अनिल जी अगर नीचे निकल के जाता है तब यहाँ पे बिकवाली की राय है, एल्स अनिल जी यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। और अनिल जी एक रिक्वेस्ट करूंगा एक BTSTT के लिए। हाँ बिगुल बजा देते हैं, अभी आइए बंसल जी के लिए BTSTT का बिगुल। बताइए सर। अनिल जी खरीदारी की राय है RBL बैंक पर, और ये एक मिड साइज प्राइवेट सेक्टर बैंक है जहां पर एक क्लीन ब्रेकआउट 587 के ऊपर देखने को मिल रहा है, बड़ा ब्रेकआउट है। और यहां पर खरीदारी की राय है, यहां पर 583 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और यहां पर पहला टारगेट बैठेगा 608 का, 583 का स्टॉप लॉस है, 600 के एक ही टारगेट के लिए यहां खरीदारी की राय दे रहा हूं। 608 ये स्टॉप लॉस का लेवल है, RBL बैंक में खरीदारी करनी है। 595-596 के आसपास है, यहां पर खरीद लीजिए। 583 का स्टॉप लॉस लगाकर RBL बैंक में तेजी करने की राय। ACC ये है वो दिग्गज कंपनी जिसके नतीजे आने वाले हैं कल, कल ही आ रहे हैं ना। हाँ ACC, अच्छा नतीजे कैसे रहेंगे, मानसी हमारे साथ है इनके नतीजों का अनुमान लेकर। मानसी बताइए। जी बिल्कुल अनिल जी, नतीजे अच्छे रहने के अनुमान है क्योंकि यहाँ पर कंपनी की ब्याज लागत घटेगी और साथ ही अन्य आय में भी कटौती देखने को मिल सकती है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट मुनाफे के फ्रंट पर हमें देखने को मिलेगा। साथ ही अगर रियलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर भी तकरीबन 2.8% का इजाफा देखने को मिल सकता है। सेल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 8-9% तक बढ़ेगी। और अगर एबिडा पर टन की बात करें तो यहाँ पर भी 15% की तेजी का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही अगर मुनाफे के आंकड़े की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 19-20% का मुनाफा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि ACC के तिमाही नतीजों में देखने को मिल सकता है। और वॉल्यूम ग्रोथ करीब करीब 6-7% रहने के अनुमान यहाँ पर जताए जा रहे हैं, तो कह सकते हैं कि नतीजे फ्लैट टू पॉजिटिव ही आते हुए दिखेंगे। ओके, 6-7% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ और नतीजों में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ACC के नतीजों से बहुत डर लगता है मुझे राजेश जी, वजह बताऊं? अल्ट्राटेक के नतीजे के आने के बाद जो धुलाई पिटाई हुई है, मतलब 8-9% अल्ट्राटेक एक दिन में पिछली बार कब गिरा था मुझे याद नहीं आता, इस बार रिजल्ट के बाद गिरा है, इसलिए डर लगता है। ACC के रिजल्ट्स देखने के नहीं देखने देखने तो पड़ेंगे, चार्ट देखकर वायदा कारोबार के डेटा देखकर बनाई पोजीशन क्या बनानी। देखिए चार्ट देख के तो यहाँ से लगता है 1380 इसका क्रिटिकल लेवल रहेगा रिजल्ट 1380 का, अगर वो टूट गया तो फिर इसमें 1340 तक की गिरावट है, 1380 के नीचे बहुत खराब हो जाएगा। अच्छा कब होगा? ऊपर होगा 1440 के ऊपर। तो रिजल्ट के पहले कोई ट्रेड लेना कि नहीं लेना? ट्रेड लेना है तो फिर कॉल ऑप्शन के थ्रू ले सकते हैं या पुट के थ्रू लेना होगा, पर मुझे लगता है कि इस जगह पे 1400 के आसपास जब ट्रेड कर रहा है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, रिजल्ट देख के ही इसमें ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। फिर भी अगर करना है तो पुट स्प्रेड कर सकते हैं, 1400 का पुट है 46 में और हम नीचे में एक पुट राइड करते हैं, 1340 का पुट राइड करें 22 रुपए में, सो 20 रुपए की कॉस्ट में एक ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। नीचे में हम 1300 तक सेफ है, 1320 तक सेफ रहेंगे, कोई भी गिरावट आती तो ये इस रेंज में अगर रहेगा तो हमको प्रॉफिट बनेगा। और लगता है चार्ट देख के ये लगता है कि अगर 1380 टूटेगा तो 1340 तक आ सकता है ये स्टॉक। पर इनके रियलाइजेशन सुधर रहे हैं इनका, ठीक है 20% के मुनाफे की ग्रोथ को, इतना खराब नतीजे नहीं है जितने हम इनफैक्ट बात कर रहे हैं, पर फिर भी देखते हैं अगर 20% मुनाफे की फिगर होती में दिक्कत है, वॉल्यूम 6-7% एक्सपेक्टेशन ज्यादा खराब नहीं हो, फिर थोड़े भी खराब है तो दिक्कत हो जाती है, पहले उम्मीद खराब की रखो तो ज्यादा ठीक रहता है कि चलो खराब है। हाँ बोलिए सर। अनिल जी, जी हाँ शिव सर बोलिए, आपके ही इंतजार कर रहा हूँ। अनिल जी दो स्टॉक है, मैं सर दो स्टॉक है, मैं फिर कैविएट दे रहा हूँ, मेरी शॉर्ट कॉल नहीं है, लेकिन मैं कुणाल जी और राकेश जी से राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि बजट के बाद पूरे देश के हर एनालिस्ट के हर चैनल की बाय कॉलर्स में ITC और LNT, करेक्ट, तो ये तो हो गई फंडामेंटल कॉल पोस्ट बजट। तो मुझे राकेश जी और कुणाल जी से जानना है कि चार्ट देख के उनको क्या लग रहा है दोनों में, LNT और ITC। पहला ITC, ITC बताइए सर, कौन पहला ITC सर, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कुणाल जी और राकेश जी के बीच में पहले कौन बताएगा? अनिल जी देखिए ITC की बात करें तो ITC बहुत समय से रेंज में चल रहा है और किसी तरह का कोई मोमेंटम स्टॉक में बनता नहीं है, जब तक ये 290-95 के लेवल्स को क्रॉस ना कर ले तब तक ITC में कोई तेजी नहीं बनेगी, तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखिए तो खरीदारी की राय नहीं है, मध्यम से लंबी अवधि में जब तक ये 295-96 के लेवल्स ना पार कर ले तभी भी खरीदारी की राय नहीं, तो इन स्तरों पर हमारा अवॉइड की राय है और ना हम इस पर बेचने के हक में है,
क्योंकि जब तक ये काउंटर 275 के लेवल्स को 270 के लेवल्स को डिसाइसिवली ना तोड़ दे तब तक इसमें कमजोरी भी नहीं रहेगी, रेंज में ट्रेड कर रहा है, दूर रहने गिरा है। और ये रेंज नीचे में 270 और ऊपर में 270-295 दो लेवल्स हैं एनएल जी, 295 के ऊपर ही खरीदारी की राय रहेगी और 270 के नीचे बिकवा। ठीक है आशीष जी, इन्होंने गोल गोल घुमा दिया आपको, आप वही हैं जहां पर पहले थे। आइए अब दूसरी राय दीजिए एलएनटी। अनिल जी हाँ आशीष जी बोलिए। अनिल जी मेरा पर्पस बेसिकली यही था कि बेचना नहीं है तो किसी को सिर्फ चेतावनी ये थी कि ये सबको सुन के बजट के बाद इतना इजी नहीं होता कि कोई दो स्टॉक सारा देश आइडेंटिफाई करे और वो एकदम बेनिफिशियल हो जाए और इजी पैसा बन जाए। इस मार्केट में इजी ट्रेड कभी भी अवेलेबल नहीं होता और इजी पैसा नहीं बनता। मैं सिर्फ ये चेतावनी के रूप में बोल रहा था, बेचे नहीं, मेरा बेचने का ऐसा कॉल नहीं है, लेकिन लेना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने जब दो दिन में देखा कि सबके लिए एक नो ब्रेनर कॉल थी कि बस एलएनटी लेना है, सब कुछ लेना है, इकोनॉमी बढ़ेगी, ये बढ़ेगा, सब अच्छा होगा और आईटीसी तो बिल्कुल नो ब्रेनर है। तो जब भी ये नो ब्रेनर होता है सर उसमें 9 out of 10 टाइम पैसे नहीं बनते। तो जो कुणाल जी ने बात बोली है बिल्कुल ठीक है, चाहे गोलमोल बोलिए, लेकिन पर्पज ये था कि सारे व्यूअर को ये चीज समझ आनी चाहिए। सर हम जी बिजनेस पे आते हैं, हमें कोशिश करनी है कि सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन और इनपुट हम शेयर कर सके। क्या बात है सर, वेरी गुड वेरी नाइस। तो खरीद के पैसे बनेंगे नहीं, एलएनटी बताइए सर। कुणाल जी राकेश जी अनिल जी देखिए बोलिए सर। देखिए एलएनटी की बात करें अनिल जी तो मुझे लगता है कि काफी समय से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। एलएनटी का स्ट्रक्चर मजबूत है और एक सपोर्ट है जो कि 1280 के आसपास है। मुझे लगता है कि एक बार ये काउंटर 1340 को पार करेगा तो एलएनटी में आपको 1400-1420 तक का एक मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। 1280 के आसपास एक अच्छा बेस बन चुका है तो 1280 का जब तक लेवल वायलेट नहीं होता इसमें भी बिकवाली की राय नहीं। ओके 1280 के नीचे ही होगा खराब, ये है इनकी राय। एमआरपीएल के भी नतीजे आने वाले हैं और वो संदीप बताएंगे कैसे रह सकते हैं नतीजे। संदीप बताएं क्या प्रीव्यू है, कैसे रह सकते हैं? एक मिनट संदीप, एक मिनट, इसके पहले बॉम्बे डाइंग के नतीजे आ गए, जल्दी से बता दूं घाटा बढ़ गया। ओहो 70 लाख से बढ़कर 11,60,000 ज्यादा बढ़ा है घाटा, तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम वगैरह ऐसा कुछ नहीं मामला, एक बार देख लेते। फिलहाल घाटे का आंकड़ा बढ़कर आया है, स्टॉक चल रहा है 114.60 रुपए। कुणाल जी चार्ट्स खोल लीजिएगा जल्दी से, आय का आंकड़ा भी आपके सामने रख दूं उसके बाद चार्ट्स पूछने में आपसे आऊंगा। आय 50 करोड़ से बढ़कर 55 करोड़, तो आय तो बड़ी है लेकिन घाटा बड़ा है, हो सकता है कोई वन टाइम घाटा इस तरह का कोई मामला हो, वो हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले लेवल्स जान लें। बताइए अनिल जी, खरीदारी की बिल्कुल भी राय नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक ये काउंटर 128 की रेजिस्टेंस को पार न करे जो कि बहुत दूर है, पोजिशनल रेजिस्टेंस है, जब तक 128 पार न करे बॉम्बे डाइंग को बाय न करें, इस स्टॉक में आमतौर पर ऊपर का या नीचे के सर्किट की झड़ी लगती है एक साथ, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल काउंटर है, अवॉइड करना चाहिए। नीचे की ओर मुझे लगता है कि जैसे ये काउंटर 105 को तोड़ेगा तो इसमें और कमजोरी बनेगी, तो बड़ी रेंज में दे रहा हूं 105 और 128, इस रेंज में मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। तो ये अवॉइड करें फिलहाल नतीजों, क्योंकि बहुत बड़ा इंपैक्ट स्टॉक में नहीं देखने को मिल रहा है। संदीप के पास ही चलते हैं, संदीप बताएं एमआरपीएल का प्रीव्यू। नमस्कार हम जो रहेंगे रजत, एक मिनट, ये बॉम्बे बर्मा के रिजल्ट है कि बॉम्बे डाइंग के, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। मैं भी सोच रहा था इतनी देर में बॉम्बे डाइंग के इतना कम कैसे हो सकता है, लेकिन अभी कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन बॉम्बे बर्मा है, एक मिनट वापस ले लीजिए, बॉम्बे बर्मा के चार्ट देखिए कुणाल जी, बॉम्बे बर्मा के देखिएगा, माफी चाहते हैं हम दर्शकों से, गलत लिख दिया गया बॉम्बे डाइंग, लेकिन ये बॉम्बे बर्मा है, 50 करोड़ से बढ़कर 55 करोड़ हुआ। मैं वही सोच रहा था बॉम्बे डाइंग में इतनी कम 50 करोड़ की आय कैसे होगी, बड़ी कम नहीं है, तो इसलिए जैसे वापस पूछा हमने कि भाई ये तो इतनी कम आय कैसे है, तो मुनाफा तो याद नहीं रहता, आय से तो समझ में आ जाता कंपनी कितनी बड़ी है। तो बॉम्बे बर्मा इसका बताइए सर। अरे जी बॉम्बे बर्मा बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है और उसकी वजह क्या है कि देखिए इसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है, 1170 पर इतना दमदार सपोर्ट है कि मुझे नहीं लगता कि वो तुरंत वायलेट होगा। ऊपर की ओर जैसे ही काउंटर 1220 को पार करेगा इसमें रिन्यूड मोमेंटम देखने को मिलेगा, इन स्तरों पर भी खरीद सकते हैं। 1170 का एक स्टॉप लॉस रखें, 1220 पार होगा तो इस काउंटर में आपको 1260 तक का मोमेंटम मिलेगा। 1220 पहला टारगेट, 1260 दूसरा टारगेट, 1170 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय। चलिए लेकिन रिकवरी आ रही है फिलहाल, 1.4% के आसपास निचले स्तरों से रिकवरी बॉम्बे बर्मा में देखने को मिल रही है, तो नतीजों का असर होगा। लेकिन अब एमआरपीएल का प्रीव्यू लेते, बहुत समय से खड़े संदीप हमारे साथ, संदीप बताएं नतीजे अच्छे रह सकते हैं या खराब, क्योंकि बहुत ज्यादा पिटाई ऑलरेडी स्टॉक की हो चुकी है। ना नंबर अच्छे नहीं रहेंगे, कमजोर रहेंगे, जैसे मैंने पहले भी ओएमसी से केस में कहा, ये तिमाही वो है जब $86 का हाई लगाया क्रूड ने
और फिर $7 के नीचे भी फिसला था, तो बहुत बड़ी चाल नीचे की ओर आई है। तो जो इन्वेंट्रीज इनके पास पड़ी रहती है उसको इनको मार्क टू मार्केट करना है, जिस वजह से इन्वेंट्री घाटे होंगे। यही कारण है मैं कह रहा हूं कि नेट लेवल पे तो घाटा आएगा ही, कारोबारी स्तर पे भी अगर आप देखें कामकाजी मुनाफा जो आया था उसके सामने घाटा इस बार देखने को मिल सकता है। इनकी जो आय है वो जरूर आपको 12% बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि वॉल्यूम जो है रिफाइनिंग के वो करीब 5% के आसपास बढ़ते हुए दिखेंगे, तो उससे इनकी आय को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा इन्वेंट्री घाटा होगा। इनके जो GRM है जो कि Q2 में $4.4 के थे, वो इस बार घटकर $3.5 नेगेटिव देखने को मिल सकते, क्योंकि इन्वेंट्री घाटा काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो उससे 540 करोड़ रुपए का जो कारोबारी मुनाफा था वो 785 करोड़ के घाटे में बदल जाएगा। और नेट लेवल पे तो पिछले बार भी घाटा ही था, Q2 में 81 करोड़ रुपए का घाटा था, वो बढ़कर 703 करोड़ रुपए हो सकता है। तो नेट नेट देखा जाए तो करीब 9 गुना के आसपास इनका जो घाटा है वो इस बार बढ़ने का अनुमान है, केवल इसी वजह से कि इन्वेंट्री घाटे होने, क्रूड जो गिरा है उसकी वजह से। स्टॉक की लेकिन लगातार पिटाई हो रही है, 9 गुना ज्यादा, 9 गुना तक यहाँ पर जो घाटा जो बढ़ सकता है, 81 करोड़ से बढ़कर घाटे की फिगर 703 करोड़ एक्सपेक्टेड है MRPL पर। फिलहाल आज भी 3% के आसपास की गिरावट स्टॉक पर देखने को मिल रही है। राकेश जी बताएं अभी और बिकवाली होगी या फिर थम जाएगी इन लेवल्स पे? देखिए यहाँ तो रजत टेक्निकल स्ट्रक्चर क्लियरली डिस्टॉर्टेड है और काफी समय से गिर रहा है, और जिस तरीके से टेक्निकल रुझान है यहाँ पर मुझे लगता है गिरावट बढ़नी चाहिए। और नीचे में अभी अनदर 2-3 रुपए का रूम बना हुआ है, 62-62.50 तक ये गिरावट एक्सटेंड होनी चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए MRPL के फ्यूचर्स पर। नतीजे से पहले थोड़ा कमजोरी का माहौल है, लेकिन नतीजे से पहले एक स्टॉक जो सुधरा है, हालांकि नीचे गिरने के बाद आज सुबह हमने SRF में राय भी दी थी शॉर्ट करने की, लेकिन वापस ऊपर भी आया है SRF का स्टॉक। अच्छा, ऊपर आके थोड़ा नीचे भी आया। थोड़ी देर पहले मैंने 1993 के आसपास देखा था, करेक्ट 8% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ। तेजी या मंदी कोई पोजिशन बनानी है राजेश जी SRF में, और अगर ऑप्शन के जरिए बनानी हो तो बता दीजिए, छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हैं, बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट आएंगे इसके आज? नहीं, ऑप्शन में तो इतनी लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है, बट ये जो जिस जगह ट्रेड कर रहा है 1945 मेक और ब्रेक लेवल है, अगर ये टूट गया तो इसमें ब्रेकडाउन आएगा, और ये लेवल बच गया तो यहाँ से एक पुलबैक एक्सटेंड हो सकता है, 2025 तक भी इसको ले जा सकता है। तो 1945 वॉयलेट होता है तो बिल्कुल शॉर्ट कीजिए, और मुझे फिर लगता है नीचे के टारगेट जो आएंगे 1945 फ्यूचर, आज 1950 का लो बनाया है फ्यूचर में। जी हाँ बिल्कुल, उसके नीचे खराब है, बिल्कुल खराब है, उसके नीचे इसको बिल्कुल शॉर्ट करना है, और फिर वहां से मुझे लगता है 1905 पहला टारगेट होगा और 1880 करीब तक कहीं ऐसे गैप से नीचे आ गया तो ऑप्शन में लिक्विडिटी नहीं, अदरवाइज ऑप्शन में स्ट्रेटेजी बना सकते थे। आ भी सकता है रिजल्ट अगर शाम को आएंगे तो जो होना है। अच्छा एक हाँ इंटरेस्टिंग चीज बताओ, गैप से नीचे खुलेगा तो कितना नीचे खुल सकता है, ऊपर अगर रिजल्ट अच्छा आ गया तो कितना ऊपर खुल सकता है? ये गैप से नीचे खुलेगा तो मुझे लगता है 1905 के आसपास आएगा, 1905, और ऊपर खुला तो? ऊपर खुला तो इसका पहला हर्डल आएगा वो 2020 के आसपास है, 2020 यानी कि 70 रुपए ऊपर, नहीं 50 रुपए, 50 रुपए ऊपर और 50-60 रुपए नीचे, रिस्क बहुत है गैप से ऊपर नीचे, और ये तो स्टॉक ऐसा है गैप से ऊपर नीचे खुल सकता है बिल्कुल। ओके, तो कोई ट्रेड ना करें ज्यादा बेहतर है ना? जी हाँ, ठीक बात। एक स्टॉक और है बाटा, इसके बारे में चर्चा ही नहीं हो रही, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे स्क्रीन पे गलत आ रहा है कि कोई बात ही नहीं कर रहा है स्टॉक पे। बाटा में बहुत जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट एडिशन, 11% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, और स्टॉक पे 4% कैश मार्केट पे ऊपर है, और डेरिवेटिव मार्केट में भी 2.5% के आसपास की तेजी। कुणाल जी एक बार देख के बताएं बाटा पे और तेज हो सकता है या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जिनके पास पोजीशन? देखिए बिल्कुल रजत, फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है, और बाटा देखिए बहुत शैलो डिप्स देता है, लगातार ये स्टॉक बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, और हल्की सी भी बाजार में तेजी बनती है तो बाटा उसमें सबसे आगे होता है। मुझे लगता है एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है, जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, 1155 का स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है कि 1200 के पार बाटा जाता हुआ दिख रहा है, और 1225-1230 के टारगेट इमीडिएटली आपको फ्यूचर्स में देखने को मिलेंगे। फ्यूचर्स डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन मौजूदा स्तरों पर बाटा को बाय करके होल्ड करना चाहिए। रजत कहां से ढूंढा है शेयर? मैं बहुत समय से देख रहा था, मैं ये तो लगी पहले पूछ लेते, बहुत समय से देख, मेरे को लगा बोलेंगे ब्रेकआउट शेयर है वीकली चार्ट पे मंथली चार्ट पे, बोल नहीं रहे थे। अरे ये तो पूछना पड़ता है, ये आसानी से बोलते नहीं है, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट नहीं है मार्केट के, तो मतलब पूछना ही पड़ता आपने को, ऐसा इतना बढ़िया शेयर आपने इतना टाइम बाद आइडेंटिफाई किया, हुआ क्या बात है, हाफ सेंचुरी मारता हुआ 50 रुपए ऊपर। लेकिन आज तो मतलब एक जिस चीज की बधाई आप सब लोगों को देनी, कुणाल जी राकेश डीवीज लैब, मतलब मेरी तो हिम्मत नहीं होगी 1575-1600 तक के ऊपर के टारगेट जो मैंने दिए थे कि वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, स्टॉक तो रुक ही नहीं रहा, मतलब इतनी तेजी के बाद खरीदने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? देखिए अनिल जी, यहाँ तो चार्ट्स पे ब्रेकआउट था, और आपने तो अनिल जी काफी निचले स्तरों पर डीवीज लैब को पकड़ा था, और ऐसा नहीं है कि आपकी हिम्मत नहीं है, आपने तो निचले लेवल पकड़ा था,
बट अनिल जी मैं सरप्राइज्ड हूं, अभी आपने थोड़ी देर पहले जब आशु जी ने अदानी पोर्ट्स की बात करी थी तो आप अदानी इंटरप्राइजेस की बात कर रहे थे और यहां पर एक मेजर ब्रेकडाउन हो रहा है और आप यहां पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ये स्टॉक डबल डिजिट में आएगा, तो ओवर टू अनिल जी फॉर एक्सपर्ट व्यूज। ये तो उनको समझाओ आपके पड़ोसी को डबल डिजिट में, मैंने तो पूछा भी था कुणाल जी को, कुणाल जी डबल डिजिट में आ रहे? अनिल जी बिल्कुल आ रहा है। अनिल जी मैं पूरी तरह सहमत हूँ, अडानी एंटरप्राइजेज में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है और अडानी एंटरप्राइजेज ने 130 रुपए के एक अहम सपोर्ट को तोड़ा है। और जब आपने सवाल किया था उस समय भी मैंने ये कहा था कि अगर 130 के नीचे आज क्लोज आता है तो ये काउंटर आपको 100 रुपए से नीचे आ जाता हुआ दिखेगा। मैं बिल्कुल राकेश जी के साथ हूँ, ये 100 के नीचे जाने की संभावना है। अडानी एंटरप्राइजेज मौजूदा स्तरों पर भी बेचा जा सकता है, ठीक है, लेकिन बेचे वही जो थोड़ा सा कोटेशनल लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, इसकी फितरत तो हम सब लोग जानते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो स्टॉप लॉस लगाते हो आप वही वाला ट्रिगर होता है, सेम दूसरा नहीं होता। फटाफट 30 सेकंड बचे, देवांशी हमारे पास है, हमारे साथ है इस वक्त, और भेल के रिजल्ट जो आने वाले हैं कल उस पर उनसे पूछ लेते हैं अनुमान। देवांशी बताइए। बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहले तो अगर आय की बात करें तो लगभग 9-10% बढ़ने का अनुमान यहाँ पे दिख रहा है और साथ ही अगर एबिटा की बात करें तो लगभग 50% एबिटा यहाँ पे बढ़ सकता है क्योंकि जो कामकाज खर्च है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है और जो प्राइसिंग पावर है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी है और एग्जीक्यूशन थोड़ा सा मजबूत हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा मुनाफे की बात करें तो सिर्फ 6% बढ़ने का अनुमान है क्योंकि जो वेतन का प्रोविजन है वो थोड़ा सा बढ़कर आएगा और एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है तो इस नंबर्स पर ध्यान देना चाहिए, तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे आएंगे। ओके, नंबर अच्छे आने की उम्मीद आप कर सकते हैं, लेकिन इस बीच जो क्लोजिंग होती दिख रही है वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है, कोई डाउट ही नहीं है। कल की शुक्रवार की मजबूती के बाद आज फिर से बाजार बहुत बेहतरीन तरीके से क्लोज हो रहे हैं। आज की क्लोजिंग में एक और अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी ने भी अपना योगदान दे दिया, वो एक अच्छा संकेत है। 10,900 के पार बंद होने की तैयारी है निफ्टी की और सेंसेक्स लगभग 70 अंक ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है, बैंक निफ्टी लगभग 86 अंक ऊपर बंद हुआ है। ये है प्रोविजनल क्लोजिंग और इस क्लोजिंग की खासियत इसलिए भी है जब करेंसी मार्केट आपका कमजोरी के संकेत दे रहा हो, रुपया कमजोर बंद हो, कमजोर ट्रेड कर रहा हो, उसके बावजूद हमारे बाजार मजबूती के साथ बंद हो रहे हैं, काबिले तारीफ है। और खासतौर से तब जब मिड कैप इंडेक्स 1%, स्मॉल कैप इंडेक्स 1.25% नीचे बंद हो रहा तो ये काबिले तारीफ है। अब ये पता नहीं आप कौन सा मार्केट देखते हो, अगर आप लार्ज कैप देखते हो, निफ्टी देखते हो, निफ्टी में भी कुछ ही स्टॉक देखते हो तब तो बहुत ही, और बाकी सब कुछ देखते इधर उधर तो मतलब घनघोर मंदी है। वैसे ही है राजेश जी है? अब आपने कौन से रंग का चश्मा पहन रखा उस हिसाब से आप देखिए। ओह माय गॉड, 10,900 ये है क्लोजिंग। आइए आगे बढ़े, आपको बता दें कि आज बाजार बंद होने के बाद क्या है खास। आज है वर्ल्ड कैंसर डे, सबको मालूम है कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है और इससे भी बड़ी बात तो ये कि ये भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है, इस पर दुनिया भर में रिसर्च जबरदस्त चल रही है। मुंबई में यहाँ पर पास ही में एक बड़ा फेमस हॉस्पिटल है टाटा मेमोरियल, यहाँ के कैंसर सेंटर के डॉक्टर बड़े पैमाने पे एक रिसर्च कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि खान पान और किसी भी इलाके की हवा, आबोहवा जो कहते हैं ना हम, हवा पानी, वो किस तरह से कैंसर को प्रभावित करते हैं, इस पर हमने एक खास शो किया है क्योंकि कैंसर बड़ा कॉमन हो गया आजकल। शाम 6 बजे जरूर देखिएगा, कैंसर का काम तमाम। तो जरूरी नहीं कि ये शो देखने के लिए भाई आप किसी को जानते हो वो बीमार हुआ ऐसा, लेकिन देखें एहतियात के तौर पर भी ये बहुत अच्छी काम की, कई बार आप वैसे भी देखते हैं तो काम की खबर तो जरूर देखनी चाहिए, तो आपकी खबर आपका फायदा में कैंसर का काम तमाम ये शो आज जरूर देखिएगा और ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग शो हो सकता है। ओके चलिए तो विदा लेंगे हमारे एक्सपर्ट से, बहुत बहुत शुक्रिया आशु सर आपका, कुणाल जी राकेश जी धन्यवाद और राजेश जी आपका भी शुक्रिया। मृत्युंजय तैयार है सोने की तेजी के साथ, मृत्युंजय।